हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है संकल्प। देखो यार बच्चों, हम लोग परिवर्तन सीरीज को चल रहे थे, तो परिवर्तन सीरीज में हम लोगों ने पहली क्लास में मोल कॉन्सेप्ट वन शॉट किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट वन शॉट। वन शॉट में हम पूरा लिक्विड स्टेट करेंगे, ठीक है। और जैसा बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े थे तो उसमें ये था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दिया जाए, तो अगली बार हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करेंगे, ठीक है। तो चलो लिक्विड स्टेट की स्टार्टिंग करते हैं। तो लिक्विड स्टेट में देखो पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। लिक्विड स्टेट में कंसंट्रेशन भी होता है ना, ध्यान है ना कि लिक्विड स्टेट में कंसंट्रेशन भी पड़ता है, मगर कंसंट्रेशन कल मैंने मूल कॉन्सेप्ट में वन शॉट में करा दिया था, है ना। तो अब हम लोग उसके आगे की बात से स्टार्ट करेंगे, जैसे वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन मिनिमम जरूर आता है, मतलब 4 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक आपको मिलते हैं, और ये नंबर आप आसानी से अचीव कर सकते हो, ये नंबर बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। तो सभी बच्चे तैयार हो जाए पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। एक बात विशेष ध्यान रखना कि टाइम की नजाकत को आपको पकड़ना है, टाइम कम है तो प्रिपरेशन बढ़ा दो, रिवीजन बढ़ा दो। टाइम कम इन द सेंस ये है कि भाई हम लोगों के पास अभी 36-37 दिन है, तो ये जो 37 दिन 38 दिन है इनमें आप जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है, टेस्ट दीजिए और अपने को एक परफेक्ट प्लान की ओर ले जाइए, अपने को एक परफेक्ट प्लान की ओर ले जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहली हेडिंग जो हम लोगों को करनी है वो कौन सी है, वो करनी है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है ये बात बताओ। तो देखो यार वेपर प्रेशर क्या होता है ना, वेपर प्रेशर क्या चीज होती है ये डिस्कस करते हैं। देखिए ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, ये देखो हमारे पास क्या है, एक क्लोज कंटेनर है ऐसा। अब इसमें मैंने लिक्विड भर रखा है ऐसे, इस तरह से। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो इस लिक्विड की कुछ वेपर बनी ऐसे 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 ऐसे, कुछ समय बाद क्या होगा, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी। लिक्विड से वेपर बनना क्या बोला जाता है बताओ, लिक्विड से वेपर बनने को बोलते हैं एवोपोरेशन। फिर वेपर बनती रहेगी तो फिर वेपर कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगी, क्यों, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, फिर कंडेंसेशन होने लगेगा ऐसे। ये हुआ कंडेंसेशन इस तरह से। तो होता क्या है, जो हमारा लिक्विड है और उसकी जो वेपर है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है, उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है इस तरह की, ये देखो है ना। अब जो इक्विलिब्रियम है फिजिकल प्रोसेस है, ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो किसी बच्चे ने कहा सर आपको कैसे पता चला ये एंडोथर्मिक होता है, हमें तो नहीं पता चल पाया कि ये एंडोथर्मिक होता है। तो जरा गौर से बच्चों बातों को समझना, लिक्विड से वेपर में जा रहे हो तो आपको लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, और जब लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन ब्रेक कर रहे हो तो इसका मतलब एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी देने को ही तो क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ये देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्लियर। अब गौर से समझिए, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गए, इस समय जो भी प्रेशर होगा वो लिक्विड का वेपर प्रेशर बोला जाता है। जब लिक्विड और उसकी वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है उस समय कंटेनर का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर किसके थ्रू आ रहा होगा, वेपर के थ्रू आ रहा होगा। तो हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर एग्जर्ट बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, एवोपरेशन और कंडेंसेशन के बीच,
ये इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है तो जो भी प्रेशर, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है तो जो भी प्रेशर वेपर एक्सर्ट करता है, ये जो वेपर है ना, जो भी प्रेशर डेवलप करेगा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने पर, इसी को कहोगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये देखो, ये बोला जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड समझ गए क्या, कि जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आएगी उस समय जो भी वेपर का प्रेशर होगा उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलेंगे। क्लियर? और ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर, मैंने कहा क्या बेटा? उसने कहा सर यदि ये इक्विलिब्रियम है तो इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो बच्चे ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। बच्चे ने कहा कि यदि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू आया वेपर प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन वन। क्यों? प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मानते हैं, हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रेशर लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉलिड का कंसंट्रेशन प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में नहीं लिखते। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब ये हो गया कि यार वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। चेक करो, वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, है? आप देख लो वेपर प्रेशर की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रही है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आप सीएचडी कहते हो वो जरा सुन लो, वो क्या है जरा गौर से देखिए। वेपर प्रेशर डज नॉट, सॉरी ऑन, उल्टा लिखो, वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं डिपेंड करता है। किसी ने कहा ऐसा कैसे कह दिया? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब वेपर प्रेशर भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी और फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है, किस पे नहीं डिपेंड करेगा? नॉट डिपेंड। आप कुछ भी चेंज करते रहो, आप क्या कर रहे हो? वेसल का वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, नो इफेक्ट। मास चेंज कर रहे हो लिक्विड का, तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। आप कंटेनर बड़ा छोटा कर दो, नहीं डिपेंड करेगा। जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसको कम ज्यादा कर दो, नहीं डिपेंड करेगा। इन किसी बातों पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करने वाला, किसी बातों पर वेपर प्रेशर नहीं डिपेंड करने वाला। यदि आप शेप चेंज करते हो, शेप ऑफ वेसल, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो नहीं चेंज होगा, बस बात खत्म हो गई। बाकी कुछ भी चेंज करते रहो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, और यदि आप टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर कभी नहीं चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर है? जरा देखो, जैसे ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या करोगे। पढ़ो, इफ वेपर प्रेशर ऑफ 10 ग्राम ऑफ ए लिक्विड इज पी, देन व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ 5 ग्राम ऑफ सेम लिक्विड। 10 ग्राम लिक्विड का वेपर प्रेशर पी है, तो 5 ग्राम लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? ना नहीं। तो यदि टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? नहीं होगा, सेम आंसर आए। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे वेपर प्रेशर
ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये देखो वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ गए? अब जरा देखो यार बच्चों, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने कहा कि आप कह रहे हो कि वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज कितना होगा? तो गौर से टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज कितना होगा? देखो ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू निकल के आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, पहला। फिर आपने बताया कि जो इक्वेशन है वो बच्चों कैसी है, वो एंडोथर्मिक, वो कैसी है एंडोथर्मिक। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम आगे जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसी है, जो हमारा फिजिकल प्रोसेस है वो कैसा है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बनना है, वेपर। तो जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतनी ज्यादा वेपर का प्रेशर होगा। अब होगा कितना, तो ये देखो लॉग पी टू अपॉन पी वन डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.3032 आर 1/T1 - 1/T2 ये होगा। मतलब टी वन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पी वन था, टी टू टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पी टू है, ये है। और वेयर डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो ये बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं जरा उसको समझिए। ई पॉइंट, दो डिफरेंट लिक्विड है, अब जरा समझना, दो डिफरेंट लिक्विड है। अब दो डिफरेंट लिक्विड के वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो गौर सुनिएगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये बात अलग है और ये बात अलग है। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है यार टेम्परेचर ही तो बॉइलिंग पॉइंट है। भाई टेम्परेचर क्या है, एक तरह का बॉइलिंग पॉइंट ही तो है। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक तरह का टेम्परेचर ही तो है। तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये एक ही लिक्विड के लिए लिखा है, मतलब समझे, जैसे पानी है, पानी का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, वो ये बात लिखी। और ये क्या लिखी है, एक तरफ पानी है एक तरफ अल्कोहल है, एक तरफ पानी है एक तरफ अल्कोहल है। अब आप कह रहे हो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, आप ये कह रहे हो कि दो लिक्विड के वेपर प्रेशर को कंपेयर कर रहे हो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तब इससे निकलेगा जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम होगा। ये बात, ये दो डिफरेंट लिक्विड के लिए। तो जरा बात ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन ना आए, दोनों में कंफ्यूजन ना आए। ये सेम लिक्विड के लिए है कि किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो,
तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ये क्या लिखा है, दो अलग अलग लिक्विड है जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, और मैंने कहा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर किसकी ज्यादा बनेगी, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, है ना, मतलब कुछ ऐसा कह रहा हूं मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं। देखो लिक्विड ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मैंने पूछा अरेंज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनके वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, क्या ये आपस में बराबर होंगे, क्या ए का वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, क्या ए का वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से कम होगा, क्या नन ऑफ दीज होगा। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, बी का, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब बी का वेपर प्रेशर ए के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, ये बात बता रहा हूं, ये बात बताई जा रही है, क्लियर, ये बात बताई जा रही है। और इसी के पलट ये चीज जरा समझो, इसी के पलट ये चीज जरा समझो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा लिक्विड ए, देखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज P1 एटमॉस्फेयर एंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज P2 एटमॉस्फेयर। एक लिक्विड ए है जिसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर P1 है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर P2 है, तब आपको सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन, ये देखिए। अब बताओ, तो अब आप एक ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब एक ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता है। आंसर ये, यहां पर दो लिक्विड में कंपेयर नहीं है, है? और यहां पर दो लिक्विड में कंपेयर, डिफरेंसेस इस बात के हैं। चलो अब बात करते हैं ये, अब एक और टर्म आता है, जरा देखो उसको क्या बोलते हैं, उस पर जाते हैं, कि एक और टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखो इसको देखो, एक होता है स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब यार दोस्त, ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं, तब तक मैं एक ग्लास मतलब पानी थोड़ा सा पी लेता हूं। तो अब बताओ, देखो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, जब आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, उस समय यदि इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, जब आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो उस समय का टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, देखो उस समय का मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, ठीक है, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर जब वेपर प्रेशर को ऑलवेज मेजर किया जाएगा तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट, है ना, वेपर प्रेशर
मेजर एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब वेपर प्रेशर ऑलवेज फिक्स टेम्परेचर पे मेजर किया जाएगा तो उसको स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। इसको तो जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट, पी नॉट। आप नॉट ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो। क्लियर? स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर क्या होता है? वो ऑलवेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर किया जाएगा। अब एक बात और लिख देते हैं, जहां पर दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर कराया है वहां पर एक और चीज E के बाद क्या आता है? F। अब देखो दो डिफरेंट लिक्विड में आपको वेपर प्रेशर कंपेयर करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? देखो वेपर प्रेशर जो होता है इंट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो बॉइलिंग पॉइंट ना दिया जाए तो फिर कैसे पहचानोगे? जैसे किसी ने कहा आपसे कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, किसी ने कहा आपसे कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा या H2S का ज्यादा? अब मुझे पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब वाटर के बीच का इंट्रैक्शन ज्यादा है और वाटर के बीच का इंट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि यार वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होगा वो कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ H2S। वो कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ H2O से। क्यों? क्योंकि वाटर के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और H2S के बीच में जनरल वंडरवाल फोर्सेस है और वंडरवाल फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोमिनेशन होता है, इस वजह से ये आंसर। मगर ये भी दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करने का तरीका है। आप दो डिफरेंट लिक्विड में इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। तो दो डिफरेंट लिक्विड में इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, और सेम लिक्विड में सिर्फ एक ही बात चलती है, टेम्परेचर चेंज होने पर वेपर प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, ऐसे तो वेपर प्रेशर क्या होता है पता चल गया सबको, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी पता चल गया। अच्छा अब देखो क्या होता है राउल्ट्स लॉ, अब क्वेश्चन भी कर लिए बच्चों ने कहा राउल्ट्स लॉ क्या होता है। देखो यार आपने अभी निकाला है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, मगर यदि सोल्यूशन बना दिया जाए तो वेपर प्रेशर क्या है, है ना? देखो देखिए आपने अभी निकाला है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर जिसको हम लोगों ने पी कहा। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, यदि हम दो लिक्विड को मिला दें तो अब हम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की बात करें। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दो तरह का हो सकता है, आपने एक लिक्विड ए मिलाया, एक लिक्विड बी मिलाया, हो सकता है दोनों लिक्विड कैसे हो, वोलेटाइल का मतलब समझते हो? वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर बना सकते हैं, जो लिक्विड वेपर बना सकते हैं। आप सोल्यूशन बना रहे हो ना, तो सोल्यूशन में आपने दो लिक्विड बनाए और दोनों वेपर बना सकते हैं, एक तो ये हो सकता है केस, और एक केस ये भी तो हो सकता है। आपने वेपर बनाई उसमें से एक लिक्विड नॉन वोलेटाइल है और दूसरा लिक्विड सिर्फ वोलेटाइल है,
मतलब ये वेपर नहीं बनाएगा, वेपर नहीं बनाएगा, ये, और ये वेपर बनाएगा, वोलेटाइल का मतलब वेपर फॉर्म करेगा। ये देखो, तो एक वेपर बना रहा है, एक वेपर नहीं बना रहा है, ऐसा भी तो सोल्यूशन बन सकता है। तो जब दो लिक्विड को मिलाते हैं और एक सोल्यूशन बनाते हैं, तो वहां दो केस है, एक दोनों लिक्विड वेपर बना रहे हो और एक दोनों लिक्विड वेपर ना बना रहे हो, है ना। तो अब देखो राउल्ट्स लॉ कब कब कैसे कैसे लगता है। तो राउल्ट्स लॉ का पहला केस, जब दोनों लिक्विड वेपर बना रहे हैं, ये केस वन है और ये केस टू है। देखो केस वन, दोनों लिक्विड वेपर बना रहे हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी बोथ फॉर्म वेपर। अब इसकी कंडीशन क्या होती, क्या सपोज करके चला जाता है जब ऐसा होता है, तो देखो क्या सपोज करके चलते हैं। देखिएगा यहां पे दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। अब लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, काई वन, काई ए लिखा जाए या वन लिखा जाए तो लिक्विड ए का है, इसको आप सॉल्यूट बोल सकते हैं। लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, काई, लिक्विड पे। अब ए की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी, दोनों की वेपर बनेगी। तो यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि दोनों की वेपर बन रही है। तो राउल्ट्स भैया ने हमको यही बताया है कि जब दोनों वेपर बनाएंगे तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा। ये कौन बता रहा है, राउल्ट्स भाई साहब। कैसे बताते हैं तो जरा देखो, सबसे पहले कंडीशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ की कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन है कि जो लिक्विड ए है इसके बीच में जो इंटरेक्शन है और जो लिक्विड बी है उसके बीच में जो इंटरेक्शन है, और जब भी मिल गए ए एंड बी का सोल्यूशन, तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए लगभग, और प्योर लिक्विड के इंटरेक्शन को ऑलवेज बराबर माना गया है, ये कहा गया कि तीनों इंटरेक्शन आपस में बराबर होने चाहिए। राउल्ट्स लॉ की कंडीशन है, इन्होंने ये सपोज करके ला दिया है। क्या सपोज करके ला दिया है दोस्त, लिक्विड ए का इंटरेक्शन, लिक्विड बी का इंटरेक्शन और सोल्यूशन का इंटरेक्शन आपस में बराबर होगा, ये करके ला दिया है। और दूसरा क्या दिया है, गौर से समझो, दूसरी बात इन्होंने बताई है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आपस में अनरिएक्टिव होने चाहिए, ये आपस में रिएक्शन ना करे। लिक्विड ए और लिक्विड बी आपस में रिएक्शन नहीं करते हो, एक बात ये बताइए कि लिक्विड ए और लिक्विड बी आपस में रिएक्शन ना करते हो, किसी भी तरह के रिएक्शन ना करते हो, ये राउल्ट्स लॉ की कंडीशन। अब इन्होंने ये भी बताया कि यदि ऐसी सिचुएशन है तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा, तो यार टोटल वेपर प्रेशर वही आएगा जो डाल्टन भाई साहब ने बताया था। डाल्टन भाई साहब ने गैस के वेपर प्रेशर को क्या बताया था, यदि कोई गैस मिक्सचर है तो उसका टोटल वेपर प्रेशर डाल्टन भाई साहब ने कैसे निकाला था, कि टोटल वेपर, टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। वही यहां पे टोटल प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ वेपर, वही यहां पे है, क्या टोटल प्रेशर ऑफ वेपर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है,
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो होगा उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये राउत साहब ने बात बताई कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के बराबर। अब बात आती है इंडिविजुअल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उन्होंने बताया इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जो होगा स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ सेम लिक्विड इनटू का ये होगा। इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जो होगा स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ सेम लिक्विड इनटू का भी होगा। ये बात स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा वो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर इनटू का ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर इनटू का भी होगा। यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, पीए नॉट पीबी नॉट अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट पे मेजर किए जाते हैं, ये फिक्स्ड अमाउंट पे मेजर किए जाते हैं, फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेजर किए जाते हैं। इसका मतलब इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है यदि लिक्विड वही है तो। मगर पीए और पीबी कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं। आप अमाउंट चेंज करोगे तो कंपोजिशन चेंज होगा, कंपोजिशन चेंज हुआ तो पीए और पीबी की वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि पीए और पीबी इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये देखो अमाउंट चेंज करोगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे, और मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे तो पीए और पीबी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब बात समझ में आई, जैसे दो मोल बेंजीन है, इसी में दो मोल मैंने टाइलून डाल रखा है, ठीक सॉल्यूशन बन गया, पीए आ गया पीबी आ गया। यदि इसी में दो मोल बेंजीन और डाल दिया जाए तो पीए और पीबी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मगर पीए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यू वही रहेगी जो है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है, ये कहा जा रहा है। क्लियर? अब हमने वैल्यू डाल दी तो यार ये ऐसे बन गया, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये है राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन जब दोनों ही वोलेटाइल। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जरा अच्छे से पकड़िएगा। देखो हम जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन होता है, तो हमने काई ए की जगह डाल दिया वन माइनस काई बी, तो जब ऐसा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें आगे बढ़ा लो, देखो कॉमन ले रहा हूं, काई भी कॉमन ले लिया मैंने, ये देखो ये क्या आई, ये टोटल प्रेशर की इक्वेशन आई एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में, सिर्फ एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के टर्म में, देखो। और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे मैं बताता हूं कैसे लिख सकते हो, गौर सुनिएगा। जैसे आपको यहां पे B लिखना है तो बस जो यहां पे लिखना है वो यहां पे लिखना है, बाकी सब अपोजिट। यहां पे B है तो यहां B, यहां A, यहां A, यहां पे A है तो यहां A, यहां B, यहां B। जैसे आपको A के टर्म में लिखनी है तो बस आप ऐसे लिखो, यहां पे A है तो B माइनस A प्लस B लिख गई, आप सॉल्व करोगे यही आएगा। इसकी जगह यदि 1 माइनस का ये डालोगे ना, इसकी जगह यदि 1 माइनस का ये डालोगे तो यही चीज आएगी, आप चेक कर लीजिए, इसकी जगह 1 माइनस का ये डालोगे तो यही चीज आएगी। तो निकालने का ये आसान तरीका है, आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख सकते हो, यहां पे ए है तो यहां पे ए, बाकी जगह बी, यहां ए लिखा तो बी माइनस ए प्लस बी,
यहां बी लिखा तो ए माइनस बी प्लस ए, ऐसे। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा देखो, मैं क्वेश्चन बताता हूं। देखिए उन्होंने कहा कि यार एक सोल्यूशन है, तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से करिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो उन्होंने कहा एक सोल्यूशन है जिसका टोटल प्रेशर की इक्वेशन ये है, तो पी ए नॉट एंड पी बी नॉट की वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन ये हुआ कि एक सोल्यूशन है जिसके टोटल प्रेशर की इक्वेशन ये है, तो पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन ये आया और एक क्वेश्चन ये आया कि यार एक सोल्यूशन है जिसके टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू ये है, अब पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू बताओ। ये देखो वहां प्लस था, यहां माइनस लिख दिया। अब पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन और है क्या, जरा देखो उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले ये दोनों सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे? तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो यार वो बहुत सिंपल है, आप कुछ मत करो, सबसे पहले इसको कंपेयर कर दो। अब देखो किसके टर्म में इक्वेशन लिखी है, काइए के टर्म में। जब काइए के टर्म में इक्वेशन लिखी है तो आप काइए वाला कंपेयर करो। तो कैसे लिखोगे, ए, यदि यहां ए है तो सब जगह क्या होगा, बी होगा। ये इक्वेशन ऐसे आएगी, कंपेयर कर दो। तो जब कंपेयर किया तो ये आ गया 120 और ये आ गया 240, तो एक प्रेशर आ गया। अब इसकी वैल्यू इसमें डाल दो तो दूसरा वाला भी आ जाएगा। भाई माइनस प्लस करके दिखाओ, 12 × 24 होता है, ये भी यही आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आ गया। और कंपेयर कैसे किया, यहां पे ए है तो बी माइनस ए प्लस बी, देखो यही लिखा है। अब या ला करो तो बिल्कुल ऐसे ही कर, मगर अब यार आपकी इक्वेशन थोड़ी अलग आई, कंपेयर तो यही हुआ बी माइनस ए प्लस बी, ये देखो। अब कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन ऐसी आ रही है, इसकी वैल्यू आपने ये डाली है, तो इस बार ये जुड़ जाएगा। ये आपका इस बार वो क्या हुआ, जुड़ गया। तो जरा देखे रहना यहां माइनस है या प्लस, क्योंकि प्लस माइनस करने पर उसी क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आएगा। चेक करो यहां पर वैल्यू ये आई और यहां पर वैल्यू 360 है कि नहीं है। जो चीज आपने लिखी है इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो, इसी चीज का ग्राफ बना दो। तो देखो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे तो कैसा है, राउंड फ्लॉक का। यदि मैं ग्राफ बनाने को कहूं, देखना अब देखो ये प्योर लिक्विड ए है तो यहां बी जीरो होगा, और ये लाइन प्योर लिक्विड बी की है तो यहां ए जीरो होगा। ऐसे हमारे पास टोटल प्रेशर की इक्वेशन ये थी, क्या थी, आप इस इक्वेशन को इसमें डाल दो, ये वैल्यू डालो, काई ए इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0। तो जब ये वैल्यू डालोगे तो उस जगह पे टोटल प्रेशर की वैल्यू पी ए नॉट के बराबर आएगी। सपोज करो पी ए नॉट यहां है, पी ए नॉट यहां,
देखो पी ए नॉट की वैल्यू नहीं दी है तो हमें तो पता नहीं है, मगर कहीं पर होगा, मैंने लिख दी। अब ये कंपोजिशन डालो इस इक्वेशन में, जब ये कंपोजिशन डालोगे तो इसके बराबर आएगी। सपोज करो यहां एक बड़ा है एक छोटा, भाई कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, भाई किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसी एक का कम होगा। हमने बी का ज्यादा ए का कम मान लिया है, आप चाहो तो ए का ज्यादा बी का कम मान लो क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं है। अब इनके बीच का ग्राफ ये आएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये ग्राफ है किसका सॉल्यूशन का पीटी का, पीटी। अब इससे हमें क्या मिलेगा, हमें ये चीज मिलेगी जरा गौर से देखना। यदि मैं ये बात पूछूं मैथमेटिकली समझिएगा, पहला पॉइंट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, वो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर निकालो एट विच जिस पर वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम, वो कंपोजिशन बताओ जिस कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, वो कंपोजिशन क्या है। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां है भाई, लिक्विड का वेपर प्रेशर ये है ये ये ये, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू कहां पे है, यहां पे, क्योंकि वेपर प्रेशर वर्टिकल लाइन पे है। वेपर प्रेशर क्या है वर्टिकल लाइन पे, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू, वो पीबी है। मतलब पीटी जो मैक्स है, जब पीटी मैक्स होगा तो वो बराबर होगा इसके, और वहां पर कंपोजिशन क्या है, वहां पर ए टेंस टू जीरो है और बी टेंस टू वन है, ए टेंस टू जीरो है बी टेंस टू वन है, ये देखो है। तो मैं इस क्वेश्चन में ये भी बात पूछ सकता था, देखो मैं कहता कि टोटल वेपर प्रेशर ये दिया है जी, टोटल वेपर प्रेशर ये दिया है। अब मैंने कहा फाइंड आउट मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट टोटल, फाइंड आउट मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा। तो भाई मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, जो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जो जिस लिक्विड का स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जिस लिक्विड का स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ज्यादा होता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसके बराबर होता है। इसका ज्यादा था तो इसके बराबर हुआ, मान लो ए का ज्यादा होता तो ए के बराबर होता। अब यहां पर यहां पर किसके बराबर होगा, वो तो आप निकालोगे, तो आप निकालो कंपेयर करो, कैसे लिखोगे, ए लिखा है तो बस बी लिखना है, कंपेयर कर दो, तो बी की वैल्यू आ रही है 250, ए की वैल्यू आ रही है 120, तो बड़ा कौन है जी, तो इसका मतलब हम कहेंगे पीटी मैक्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 250 mm ऑफ एचजी, हम ये आंसर टिक करेंगे। तो तीनों एक ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में चेंज है, ऐसे वो फंसाएगा हमको। अब आप समझ गए होंगे, यही क्वेश्चन मैं उल्टा पूछ दूं,
वो कंपोजिशन बताओ जिस पर वेपर प्रेशर मिनिमम हो, सॉल्यूशन ये मैक्सिमम है वो मिनिमम, तो अब क्या होगा? मिनिमम किस पर है? पीए नॉट पे। इस ग्राफ के हिसाब से बता रहा हूं, क्वेश्चन में पता नहीं क्या हो। और वो कंपोजिशन क्या है जिस पर मिनिमम है? ए टेंस टू वन, बी टेंस टू जीरो। ए टेंस टू वन, बी टेंस टू जीरो। इसका मतलब एक बात और है कि टोटल वेपर प्रेशर पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में ही लाई करेगा, उनसे बड़ा नहीं हो सकता। देखो तीसरी बात और भी है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में ही कहीं लाई करेगा, उनसे बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? स्ट्रेट लाइन है ना। अब स्ट्रेट लाइन है तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये, इससे बड़ी वैल्यू ये, वर्टिकल लाइन पे है सबसे बड़ी वैल्यू ये। तो टोटल वेपर प्रेशर कभी ना तो सब छोटे वाले स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर से कम हो सकता है और ना तो बड़े वाले स्टैंडर्ड प्रेशर से ज्यादा हो सकता है। टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, कहां लाई करेगा नहीं पता है मगर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। चेक करो, है देखो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी क्वेश्चनों में, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी क्वेश्चन में। क्लियर? बात समझ पा रहे हो ना कैसे किया हम लोगों ने? अच्छा, अब किसी बच्चे का मन हो तो इसका भी ग्राफ खींच लो। इसका ग्राफ तो बहुत इजी होता है, इंडिविजुअल लिक्विड का, इंडिविजुअल लिक्विड का, इसका या इसका। तो यार इंडिविजुअल लिक्विड का ग्राफ जो है वो देखो, ये वाई एक्सिस है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ है इंडिविजुअल लिक्विड का। अब यहां वैल्यू डाल के देख लो, जब काई ए इक्वल टू ए डालोगे तो ये आया, ऐसे पहुंचे जीरो तक। ये इंडिविजुअल लिक्विड का ग्राफ है ना, ये इंडिविजुअल लिक्विड के ग्राफ। क्लियर है? चलो बात समझ गए, कर लोगे, कर लोगे। चलिए अब बच्चों आगे बात करते हैं, है ना। अभी हमारी चीजें खत्म नहीं हुई है। हमने जब दो लिक्विड वोलेटाइल हो तब की सिचुएशन को किया है, तब के ग्राफ बताए हैं, तब की चीजें बताई हैं। अब इन पर और भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो जरा उनको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, मैं पानी पी लेता हूं, है ना। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ की कंडीशन क्या है? जब तीनों का इंटरेक्शन आपस में बराबर, देख लो कहां लिखा है, ए बी इंट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए ए एंड बी बी, ये होगा। इसको पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इज करेक्ट। अच्छा, अभी हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा है, राउल्स लॉ में टोटल प्रेशर निकालना पड़ा है, मगर अभी एक चीज बाकी है, वो उसी का क्वेश्चन है, उसको अभी हम करेंगे, है ना। जब हो जाएगा तब करेंगे, या फिर उसको भी पढ़ा लेते हैं तब क्वेश्चन करते हैं। चलो उसको भी पढ़ा लेता हूँ ना, तब क्वेश्चन करता हूँ, तो क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, है ना। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, गौर सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड
लिक्विड बी एट वेपर फिश, जो वेपर बन रही है उसमें भी तो ए और बी है भाई, वेपर किसकी बन रही है, ए और बी की बन रही है, तो उसमें उनके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, जरा समझो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, उन दोनों का सोल्यूशन है ना, तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितने हैं, लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन का ये, लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन बी, अब इनकी वेपर बनी, ये अब वेपर फेज में भी मिक्सचर है, ए भी है बी भी है, तो यहां पर वेपर फेज में भी तो इनके मोल फ्रैक्शन आएंगे है ना, तो वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, तो मैंने माना लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन क्या है वाई बी, और लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन क्या है वाई ए, तो यार मान लो ये पूछ दिया गया तो कैसे निकालोगे कि लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बताओ, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बताओ, तो गौर सुनो, लिक्विड ए का प्रेशर निकालो राउल्स लॉ के रूल के थ्रू है ना, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए वेपर ए, वेपर ए ठीक है ड्यू टू राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ के थ्रू निकालोगे तो ये आएगा। अब यही बात डाल्टन लॉ के थ्रू निकालो, प्रेशर ऑफ वेपर ए अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, तो डाल्टन लॉ के प्रेशर का फार्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, और ए का मोल फ्रैक्शन क्या है गैस फॉर्म में वाई ए, यहां पे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन डाल्टन ने और राउल्ट्स में डिफरेंस क्या था, राउल्ट ने वेपर प्रेशर निकालने का तरीका मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड के टर्म में बताया, और डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म में बताया वेपर प्रेशर निकालने का तरीका, मगर दोनों लोग एक ही बात को बता रहे थे इसलिए आपस में बराबर थे, तो इनको बराबर कर दो, इससे क्या हुआ, इससे आपके पास वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला आ गया, ये देखो, यदि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है कि लिक्विड ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताओ, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसी का वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ये देखो ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो ए का वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर है, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा जाए उसी का वेपर प्रेशर ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल, देखो नेक्स्ट नंबर का सीएचडी गौर सुनिए, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा जाए तो उसी का पार्शियल प्रेशर ऊपर नीचे टोटल प्रेशर, अब आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, चाहो तो इसका भी फार्मूला लिख दो, वाई बी का निकालना है, ये देखो अब जरा देखते जाइएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इनका रेशियो बना लो, तो
तो देखो जब डिवाइड कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ya अपॉन yb इक्वल टू pa अपॉन pb, और pa की वैल्यू क्या होती है, pa नॉट का ये pb नॉट का ये। अच्छा इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डरना नहीं, ये पेपर में बहुत काम आने वाली है, इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। मोल फ्रैक्शन का रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है, ये मैंने कल कराया है। काई ए अपॉन काई बी का रेशियो जो होगा एन ए अपॉन एन बी के रेशियो के बराबर होगा, क्यों, ये क्या होगा, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, ये मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल टोटल मोल कैंसिल हो जाएंगे। देखो तो ये वाला फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें चाहो तो अभी एक चीज और लगा दे, यदि मोल ना देख के डायरेक्ट मास दिया जाए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको खोल दो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी और ऐसे हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में, मोल को खोल दिया, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, तो ये ऐसा है। इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कब कौन सा लगाना है ये सिचुएशन बेस देख लो, मोल फ्रैक्शन दिया है तो ये लगा लो, मोल का रेशियो दिया है तो ये लगा लो, और मास दिया है तो वो लगा लेना, कोई ना कोई एक दिया होगा और निकाल लो। है कर लोगे, जैसे ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से करिए। जैसे देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने कर दिया तो वहीं पे लगा देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर क्या है ना बाद में दिक्कत आती है पीपीटी अरेंज करने में, क्योंकि 100-150 पेज हो जाते हैं और फिर 100-150 पेज अरेंज नहीं हो पाते हैं। अब जैसे ये अलग क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करो, क्या कहना चाह रहा है, ऊपर ले आता हूँ, अब आप करिए इसको, क्या पूछ रहा है जरा देखो, हाँ ध्यान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इज करेक्ट, अज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन वेपर प्रेशर डाटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पी ए नॉट है बेंजीन का और ये पी बी नॉट है टॉलुइन का। अब ये देखना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पे सेम कंसंट्रेशन पे वेपर कौन ज्यादा बना रहा है, बेंजीन ज्यादा बना रहा है। देखो भाई स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर में मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर में मेजर किया जाता है, सेम अमाउंट पे मेजर किया जाता है, तो बेंजीन ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि वो ज्यादा वेपर प्रेशर बना रहा है 12.8 और ये ऐसा। तो अब देख लो द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टॉलुइन, ये कह रहा है टॉलुइन की वेपर ज्यादा बनेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कौन ज्यादा वेपर बना रहा है, बेंजीन, ये गलत है। द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन और नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन ज्यादा परसेंटेज में वेपर बनाएगा, क्यों, क्योंकि बेंजीन का स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या है, वो ज्यादा वेपर बना रहा है तभी तो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है, और दोनों का अमाउंट सेम लिया गया है, दोनों का अमाउंट सेम लिया गया है, तो सेम अमाउंट पे सेम टेम्परेचर पे जो ज्यादा वेपर बनाएगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और वो आपने दे रखा है। तो इस डाटा से हमें पता चल गया कौन ज्यादा वेपर बनाएगा, ठीक है। अच्छा
ये लो अब इस करो, इस क्वेश्चन को करिए, करिए इस क्वेश्चन को आप करें। मैं जरा एक घूंट पानी पी लेता हूं, बताओ। देखो यार, इस सॉल्यूशन है 1:4 मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। मोल के रेशियो दिए हैं पेंटेन के और हेक्सेन के। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। पेंटेन, पेंटेन का प्योर वेपर प्रेशर दिया है, हेक्सेन का भी प्योर वेपर प्रेशर दिया है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज विल बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन निकालना है वेपर फेज में, कैसे निकाला जाएगा? अभी बताया है। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन, मोल ऑफ पेंटेन, मोल ऑफ हेक्सेन, बस। अरे भैया, ये वाला फार्मूला, ये, और आप इतना तो जानते ही हो कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है, तो बस क्वेश्चन खत्म। हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको 1 माइनस ये डाल, इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 440 120, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व कर लो, 6 22 11 3, तो ये आ गया। अब इसको ऊपर नीचे कर दो। देखो वो उधर गया, ये इधर आया है ना, इसको पी कर लेते हैं, ए लिख रहा है। हाँ दोस्त, तो देख लो यार कितना आ गया, 11 2 22 होता है 23। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, हथियार किधर है, मंगाते हैं, हथियार यूज नहीं किया बहुत देर हो गई। 11 / 20 वैल्यू आ रही 0.478, ऐसा देख लो 0.478 आंसर हो गया। बस समझ गए कैसे करोगे, बस ऐसे कर दोगे आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, चेक कर लीजिए। ये देखो, अब इसको करो। द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सोल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 0.8 मोल ऑफ ए सॉल्वेंट इज इतना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। ये नॉन वोलेटाइल वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। देखो, इसमें एक नॉन वोलेटाइल है, तो अभी मैंने जो केस पढ़ाया है उसमें दोनों वोलेटाइल है, तो इसको थोड़ी देर बात करते हैं उसको पढ़ाने के बाद, ठीक है? आ जाओ मुन्ना, ऊपर ले चलते हैं इनको और कर लेंगे। आ जा, ये यहां रख लेते हैं, ठीक है? अब पढ़ाते हैं। अब देखो, यदि एक, केस नंबर 2, एक वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो तो क्या होगा, तो गौर से। अब केस नंबर 2 आते हैं, हमारा जो लिक्विड ए है वो नॉन वोलेटाइल और इसी को हमने माना है सॉल्यूट, और हमारा जो लिक्विड बी है वो वोलेटाइल और इसी को हमने माना है सॉल्वेंट, तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, पीए नॉट। इसको चेंज करके लिख दिया पी नॉट, सिंबल थोड़े चेंज कर दिए, ठीक। अच्छा, अब जो सॉल्यूशन है
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है पीटी, इसको यहां चेंज करके लिख दिया है पीएस। क्लियर है? क्लियर। तो एक वेलेटाइल है, एक नॉन वेलेटाइल। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये थी पहले, अब यार आप कह रहे हो लिक्विड ए नॉन वेलेटाइल है, तो जब लिक्विड ए नॉन वेलेटाइल है तो क्या उसकी वेपर बनेगी? नहीं, जब वेपर नहीं बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर नहीं आएगा जब ये नॉन वेलेटाइल है। भाई नॉन वेलेटाइल है ना, तो नॉन वेलेटाइल होने का मतलब क्या है कि उसकी वेपर नहीं बनेगी, और जब वेपर नहीं बनेगी तो वेपर का प्रेशर नहीं आएगा। ये चीज ऐसे हो गई। अब इसको तुमने रिप्लेस कर दिया है पीएस से, इसको रिप्लेस कर दिया है पी नॉट से, और ये काई भी। तो ये देखो एक फार्मूला जनरेट कि सॉल्यूशन का, गौर से देखो क्या लिखा है, जब एक लिक्विड नॉन वेलेटाइल है, एक वेलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वेलेटाइल है और सॉल्वेंट वेलेटाइल है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो, देखो क्या लिखा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। ये देखो, अब इस चीज को थोड़ा सा इधर उधर कर लो। कैसे कर लो? देखो ये लिखा है, ठीक है, अब मैं इस चीज को आपको दिखाता जा रहा हूं कैसे करूं। यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं तो आपको दिक्कत तो होगी नहीं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दो, एक और चीज आ गई। यहां से क्या पता चलता है जरा समझिएगा, ठीक, जरा समझिएगा। अच्छा बताओ, एक लिक्विड हमारा कैसा है? वेलेटाइल। यदि वेलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो सकता है? या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा। भाई वेपर प्रेशर निगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकता भाई, या तो वेपर बनाएगा या नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा तो जीरो, और बनाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, मोल फ्रैक्शन भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, या तो मोल होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो मोल फ्रैक्शन जीरो, होंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। तो जरा समझो, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जीरो नहीं हो सकता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जीरो नहीं हो सकते, क्यों, तुमने डाले निगेटिव नहीं हो सकते। तो जब ये निगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कह रहे हो? इसका मतलब तुम कह रहे हो कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से जब हम सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। देखो एक मैंने, एक मिनट, यहां पर गलत लिखा है, ये आएगा कैसे, ये इधर गया, इसको इधर लाओगे, उसको उधर ले जाओ। हाँ, तो ये क्या लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से जब आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस कर रहे हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये तो समझ पाए कैसे लिख दिया? देखो ये अंदर गया तो पी नॉट माइनस पी नॉट का ये, पी नॉट का ये इधर आए, ये इधर चला गया, तो पी नॉट माइनस पी एस, और इधर क्या है, पी नॉट का ये, फिर इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब ये इक्वेशन बता क्या रही है? ये इक्वेशन ये बता रही है कि यार जब तुमने नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, क्यों, पी नॉट को पी एस से माइनस कर रहे हो तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि पी नॉट बड़ा है पी एस से, और इसका मतलब ये हुआ कि नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो गया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो गया है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और कितना कम हुआ है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये। अब इसी चीज को और आगे ले आओ,
ऐसे कर लो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये। लोग इसको राउंड फ्ला बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का राउंड फ्ला का स्टेटमेंट ये बोला जाता है। ये क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं इसको बताता हूं, गौर से समझिएगा। अब मैं इसका सी एच डी देता हूं। अच्छे समझिएगा, मस्त। देखो, आपने पहले बताया कि जब एक नॉन वोलेटाइल होगा तो ये ऐसे आएगा, पहला फार्मूला ये। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो पी नॉट इंटू काई ए के बराबर होता है, एक काई बी के बराबर होता है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट इंटू काई बी के बराबर होता है, ठीक। फिर आपने ये बताया कि पी नॉट माइनस पी नॉट पी सॉरी फिर आपने ये बताया ये देखो ये वाला। अब जरा गौर सुनना, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्या बता रहा है मेरे दोस्त? ये बता रहा है उसमें से ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू ये बता रही है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है। नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया? क्यों? पहले प्योर लिक्विड था, प्योर लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड था, सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर कितना था? 80। नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, वेपर प्रेशर गिरकर कितना हो गया? 70। तो पी नॉट माइनस पी एस कितना आया? 10। तो ये क्या बता रहा है कितना वेपर प्रेशर गिर गया है, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या बताता है? ये वैल्यू ये बता रही है, ये बोली जाती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक मिनट बच्चों, ऑफ कर दिया था है? चलो मैं बता देता हूं, है ना, कुछ शैतान बच्चे आ गए थे। कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, तो पी नॉट माइनस पी एस क्या बता रहा है कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, और वो कितना कम हुआ है? पी नॉट माइनस काइए के बराबर, पी नॉट माइनस काइए के बराबर। अच्छा, इसी चीज में एक और बात आई, फिर हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा, ये क्या बता रहा है?
ये तो फार्मूला है, मगर ये बता क्या रहा है? ये चीज बता रहा है कितने फ्रैक्शन, जैसे प्योर लिक्विड का मेरा कितना था 80, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो मेरा कितना आया 70, तो कितना कम हो गया 10। अब किसी ने कहा ये कितने फ्रैक्शन है या कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज कम हो गया, तो क्या करोगे 10/80, तो 10/80 क्या आया 1/8, तो आप इसको बोलोगे कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है, और परसेंटेज बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई। तो ये वही लिखा है, कितना कम हुआ P0 - PS, कितने में P0 में, तो ये लिखा है कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अपनी देसी लैंग्वेज में क्या है, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, और यदि इसी में कितने फ्रैक्शन कम हो गया है मोल फ्रैक्शन के बराबर, जितना मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का उतने ही फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल एक मिनट यार, कितने फ्रैक्शन कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, ये देखो। तो यार इसकी मीनिंग जरूर ये ध्यान रखना कि किस टर्म की क्या मीनिंग है, यदि मीनिंग जानते हो तो आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे, और यदि मीनिंग नहीं जानते हो तो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। कितने फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, ये वो बता रहा है, ये वो बता रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये सारी बातें क्लियर है ना, ये सारी बातें क्लियर है आपको पक्का। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, चलो मैं पानी पीता हूं। तो भाई आप क्वेश्चन करो, देखो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, मीनिंग समझ गया ना सबकी क्या क्या है अच्छे से, अब क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन था ना, अब कर लेते हैं। द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सोल्यूशन कंटेन 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इतना। अब पीएस की वैल्यू दी है, ठीक है, सॉल्यूट का मोल दिया है, सॉल्वेंट का मोल दिया है, पूछ क्या रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर पी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप देख लो यार कौन सा लगाना है, पीएस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल टू का, ये तो लगा दो। देखो पीएस की वैल्यू कितनी है 60, पी नॉट निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना हो गया,
जी अब इसको सॉल्व कर लो, तो 0.2 पी नॉट 60 माइनस पी नॉट, तो 1.2 पी नॉट इक्वल टू 60, तो ये आ गया पी नॉट इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 1.2, तो 600 डिवाइडेड बाई 12, 12 पंचे 60 किया है, है ना। एक बार देख लो मैंने सही किया है, एक बार देख लो मैंने सही किया है। क्यों, मुझे क्यों गलत लग रहा है? इसलिए गलत लग रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 60 है तो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा आएगा, क्यों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से यदि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो सॉल्यूशन का 60 है तो इसका ज्यादा आना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। चेक करो, ठीक है हाँ। तो ये इधर, ये इधर, तो 0.2 इक्वल टू दिस, ये इधर जुड़ेगा के, तो 1.2 इक्वल टू दिस, ठीक है, तो जीरो बढ़ जाएगा, 12 तो 24, 12 पंचे 60, तो यार बात तो सही है, अभी तक तो कैलकुलेशन सही लग रही है। एक बार पढ़ लेते हैं, द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेन इतने मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इतने मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इतना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर इज, तो यार देखो पी नॉट माइनस पी एस, हाँ उल्टा लिखा है, ये फार्मूला उल्टा लिखे है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, वही मैं भी कहूँ यार, है ना। तो देखो पी नॉट निकालना है, ये 60 दिया है, ये 60 है, और ये 0.2, और ये 0.2 प्लस 0.8 इक्वल टू हुआ 0.2 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ गया, जरा देखो है कि नहीं, तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो यार अभी भी तो वही आएगा, नहीं नहीं अब ये इधर गया, वो उधर गया, तो माइनस का हो गया, अब ये लिख गया, तो ये आ गया 1 माइनस 0.2, तीन सौ डिवाइडेड बाई 4, तो क्या होगा, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 75 आंसर। चेक करो 75 किधर है, ये देखो, बस ऐसे आपको क्वेश्चन कर देना है, और यदि आपका मन कर रहा है नहीं मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, तो भाई एक और क्वेश्चन करो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलिए इसका आंसर बताइए सब बच्चे, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड पी एंड क्यू इज दिस, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 2 मोल ऑफ दिस 3 मोल ऑफ, ये तो यार HW है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, फार्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा। अब इसमें से कहो तो दो चार आंसर मैं ऐसे ही काट दूं, क्यों, गौर समझिएगा, मैंने बताया था कि टोटल प्रेशर जो होगा वो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर के बीच में आएगा, उनसे बाहर नहीं हो सकता, एक की वैल्यू है 80, एक की वैल्यू है 60, तो ये 60 से छोटा नहीं हो सकता, 80 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये कट गया, 80 से बड़ा हो नहीं सकता, और 60 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया, तो यही आंसर होगा, ना मानो करके देख लो, ना मानो करके देख लो, क्यों, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है, यदि आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है तो टोटल प्रेशर की वैल्यू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर के बीच में सेट होगी। अब स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर क्या है, 80 और 60, तो 80 से ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए ये कट गया, और 60 से नीचे नहीं हो सकता, इसलिए ये कट गया, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, 80 से ऊपर नहीं हो सकता, 60 से नीचे नहीं हो सकता, 80 और 60 के बीच में होगा, 80 और 60 के बीच में दो ऑप्शन है, सी और डी, तो सी और डी में से कोई एक होगा, आप चाहो तो लगा के देखो। पी किसको कहा गया, ये लो पी के कितने मोल है, 3, इसके कितने मोल है क्यू के, अब आप देख लो,
तो यार दोस्त 16 पचाएंगे 80 है ना, तो 16 3 48 12 5 60 24 12 6 1 60 ये आया 72। देखो 72 का ही आंसर है तो निकाल दिया, और वैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो देखो यार राउंड्स लॉ पर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इस जगह पे मैं एक और बात बता देता हूं जिससे बच्चों को फायदा हो। होता क्या है, बच्चे कभी कभी एक गलती कर देते हैं, तो उस गलती से बचने के लिए मैं आपको एक सीएसडी और देता हूं, जैसे आप गलती ना करो। क्या है जरा समझो। देखिए हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं, ये फार्मूला हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है। ये फार्मूला हमारा कैसा है, यूनिवर्सल फार्मूला। तो यार देखो ये जो हमारा फार्मूला है ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ये क्या है, यूनिवर्सल फार्मूला, मतलब हर केस में वैलिड है। ये यूनिवर्सल फार्मूला, ठीक। अब होता क्या है, कभी कभी बच्चे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो बच्चे इसको इस तरह से कर देते हैं, या बुकों में इस तरह से कर दिया जाता है। क्यों, यदि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन लगभग मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इसका मतलब सॉल्यूट बहुत कम है, और सॉल्यूट बहुत कम है तो मोल ऑफ सॉल्यूशन मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है। तो आप इस फार्मूले का यूज कभी मत करें मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है। तो जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं, तो तुम लगा कैसे सकते हो, तो आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। तो यूज किसको कर सकते हैं, तो मैं बताता हूं। यदि आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो इस फार्मूले को मॉडिफाई ऐसे किया जाता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस और एन ए अपॉन एन बी। ये भी यूनिवर्सल फार्मूला है, ये सब पे अप्लीकेबल है। तो या तो ये लगाओ या ये लगाओ। कैलकुलेशन से बचना है तो ये यूज करो, मगर ये यूज मत करना। यहां पे देखो पी नॉट है और यहां पे मैंने पी एस लिखा है, जब इसको रीअरेंज करते हैं तो वो आता है, इसको रीअरेंज करते हैं तो वो आता है। प्रूफमेंट मैंने नहीं किया, टाइम कम है इसलिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये फार्मूला मत यूज किया करो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाता कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, तो ये यूज नहीं करो। आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो फिर ये यूज करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यार हम लोगों ने डाल्टन लॉ सारा खत्म कर लिया है, सारा का सारा खत्म कर लिया है। अब इनके क्वेश्चन होंगे वो करते रहिएगा। देखो एक क्वेश्चन ये है डाल्टन लॉ का, ए उसका राउंड्स लॉ का, डाल्टन लॉ कह रहे हैं राउंड्स लॉ। देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसको भी कर लीजिए, पढ़ो। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज इतना, ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट इतने ग्राम इज एडेड टू इतने ग्राम बेंजीन, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कर दो यार, इसमें क्या है। देखो आपको अभी मैंने पीछे पढ़ाया है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब देखो क्या क्या दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेट इतने ग्राम इज एडेड, इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600, इसकी वैल्यू भी दी है 600। तो देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और बेंजीन का तो हमें पता है वेट कितना है, हमने ऐसे लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
अब ये कटेगा दो बार तो दो ऊपर चला जाएगा, जीरो जीरो उड़ा दो, इस दो से दो उड़ा दो, है ना। तो एम इक्वल टू 60 2.175 डिवाइडेड बाई टू, तो ये 30 हो गया। तो 30 पचे 150, 15, 30 सत्ते आई थिंक ये आ रहा होगा, है ना। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो यार, देखो 30 इंटू 2.175 65.25 यही वाला आंसर होगा, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लेना कहां पे है, और नहीं तो फिर आंसर गलत है इसका। यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो फिर आंसर गलत, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। 640 600 P0 PS upon PS Na upon NB ये कितना दिया है 2.175 2.2। अच्छा बेंजीन है, बेंजीन का 78 होता है, 78। तो आपने क्या किया, इसको लगभग 2 कह दिया, ये 40 दुना 70 39 दुना, ठीक है 2 आ गया, ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी ठीक है, 0 से 0 मारा 2 वहाँ आ गया। हाँ ऊपर वाला 2 तो एक बाकी है, ये वाला 2 किससे कटा, 60 को आप इधर ले आए, अच्छा 2 को नीचे ले आए, हाँ 2 को नीचे ले आए, ठीक है 30। हाँ बच्चों तो लगभग यही होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ये वो क्वेश्चन का आंसर एरर। अब देखो यार, अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, अब डिस्कस करने जा रहा है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है आइडियल सोल्यूशन किसको कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको कहते हैं? तो गौर से सुनो सोल्यूशन की कैटेगरी, ठीक है अच्छे सुनिएगा। देखो ये सोल्यूशन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सोल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, एक को बोलते हैं नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन किसको बोला गया, उसको बोला गया जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल बोला गया, मतलब जिनमें ये इक्वेशन वैलिड है, जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। वो राउल्ट्स लॉ है, जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये राउल्ट्स ने बताया था। तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ऐसे सोल्यूशन को आइडियल करते हैं, और जो नहीं करते उनको नॉन आइडियल कहते हैं। तो जो राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उनको नॉन आइडियल कहते हैं, मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो होता है इसके बराबर नहीं आता है, पार्शियल प्रेशर का सम जो होगा टोटल वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आएगा। जो राउल्ट्स लॉ के थ्रू निकालोगे उसकी वैल्यू, और जो एक्सपेरिमेंटल निकलेगा उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, तो ये भी नहीं आएगा। तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल बोला जाता है, जो नहीं करते हैं उनको नॉन आइडियल बोला जाता है। अब नहीं करने में एक दिक्कत है, क्या, डज नॉट इक्वल टू लिखा है। अब डज नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि पीटी की वैल्यू पीए प्लस पीबी के बराबर नहीं है, और नहीं है तो ये बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, इसलिए आइडियल में नॉन आइडियल में फिर दो केस हो गए, नॉन आइडियल में फिर दो केस हो गए। क्यों दो केस हो गए समझ पाए? तो देखो अब यहां पे फिर से बना दे, देखो ये सिचुएशन कि यहां पर फिर दो केस हो गए, देखो
देखो ये सिचुएशन थी, सॉल्यूशन आइडियल नॉन आइडियल, नॉन आइडियल की कंडीशन थी कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर, क्लियर, और इनकी कंडीशन है कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब नहीं करते हैं तो एक सिचुएशन ये है कि भाई पीटी की वैल्यू पीए प्लस पीबी से ज्यादा हो, और एक सिचुएशन ये आएगी क्योंकि वो इक्वल तो हो नहीं सकती, कम हो। वेपर प्रेशर का कम होना क्या बोला जाता है, कम होने को कहते हैं निगेटिव, और वेपर प्रेशर ज्यादा होना, ज्यादा होने को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो जब एक्सपेरिमेंटल प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा हो गया तो बोला गया पॉजिटिव, तो इसी को नाम दिया जाता है पॉजिटिव डेविएशन, इसको नाम दे दिया गया पॉजिटिव डेविएशन, और वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसको नाम दे दिया गया निगेटिव डेविएशन। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव टर्म है ये वेपर प्रेशर के लिए आए, ये किसके लिए आए, वेपर प्रेशर के लिए आए। जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्म है ये किसके लिए आए, वेपर प्रेशर के लिए आए। तो क्लासिफिकेशन क्या हुआ, सोल्यूशन को दो पार्ट में किया, आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल फर्दर दो पार्ट में चला गया क्योंकि पीटी डज नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी था, तो पीटी पीए प्लस पीबी से ज्यादा हो सकता है, पीटी पीए प्लस पीबी से कम हो सकता है। तो जब ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, जब कम हो गया तो निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्म किसके रिस्पेक्ट में आया, वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में आए, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब बात आती है कि तीनों में कंपेयर करने की, तो अब कंपेयर करते हैं, गौर से बातों को समझिए, इस लिस्ट को देखो। देखो प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशन में वो प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करेंगी, पॉजिटिव डेविएशन में वो प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करेंगी, निगेटिव डेविएशन में वो प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करेंगी, अब इसके बारे में बता रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंट्रैक्शन। जब राउल्ट्स लॉ बनाया गया था तो यह बताया गया था कि प्योर सॉल्यूशन, सॉरी प्योर लिक्विड के इंट्रैक्शन और सॉल्यूशन के इंट्रैक्शन आपस में बराबर होते हैं। यह प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड के इंट्रैक्शन ऑलवेज आपस में बराबर होंगे, ये मान के चला गया है। तो ए का इंट्रैक्शन बी के इंट्रैक्शन के तो ऑलवेज बराबर होगा, मगर जब सॉल्यूशन बना तो हो सकता है इंट्रैक्शन अलग हो गए। तो राउल्ट्स लॉ में माना गया था कि प्योर लिक्विड के इंट्रैक्शन और सॉल्यूशन के इंट्रैक्शन बराबर होते हैं। अब बात आई पॉजिटिव डेविएशन, तो बताओ पॉजिटिव वर्ड किसके लिए आया है, वेपर प्रेशर के लिए आया कि नहीं। तो ये बताओ यदि वो वेपर प्रेशर के लिए आया है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से ज्यादा बना है, तभी तो पॉजिटिव आया है। तो राउल्ट्स लॉ से ज्यादा वेपर बन रही है, इसका मतलब लिक्विड को मिलाने पर इंट्रैक्शन कम हुआ होगा। यदि इंट्रैक्शन कम होगा मॉलिक्यूल के बीच में तो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होंगे और वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन कम है और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन ज्यादा है, इसी वजह से क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में यदि इंट्रैक्शन पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन जो है वो लिक्विड के इंट्रैक्शन के, प्योर लिक्विड के इंट्रैक्शन से कम होगा। क्यों, क्योंकि नाम क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है ज्यादा वेपर बनना, और ज्यादा वेपर कब बनेगी, जब इंट्रैक्शन कम हो। निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर कम बनना, यदि वेपर कम बनी है तो इसका मतलब इंट्रैक्शन ज्यादा हो गया होगा। तो सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा प्योर लिक्विड के इंट्रैक्शन से। अब चेंज इन वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, मिलाने दो लिक्विड को मिलाने के बाद का वैल्यू और दो लिक्विड को मिलाने के पहले का वैल्यू। जैसे 10 ml ये डाला, 10 ml ये डाला, तो अब फाइनल कितना आया, 20। मान लो 20 से कम ज्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि इंट्रैक्शन चेंज हो रहा है ना। तो जब इंट्रैक्शन बराबर है तो चेंज इन वैल्यू जीरो, मगर डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब वेपर ज्यादा बनी तो इंट्रैक्शन कम हुआ, इंट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेगा एक्सपेंड करेगा, तो इसका मतलब वैल्यूम क्या है बढ़ गया, तो फाइनल वैल्यूम ज्यादा हो गया इनिशियल कम हो गया, तो डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों इंट्रैक्शन कम हुआ है तो एक्सपेंड कर गया। निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन का मतलब इंट्रैक्शन ज्यादा, इंट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो श्रिंक कर गया और श्रिंक कर जाएगा तो फाइनल वैल्यूम कम इनिशियल ज्यादा तो डेल्टा वी क्या आएगा निगेटिव। अब चेंज इन एंथैल्पी, जो बॉन्ड आपने ब्रेक किए वही बॉन्ड आपने फॉर्म किए तो चेंज इन एनर्जी जीरो, 10 जूल एनर्जी लगी बॉन्ड ब्रेक करने में और 10 जूल एनर्जी निकली बॉन्ड फॉर्म होने में, क्यों क्योंकि इंट्रैक्शन सेम है। अब यहां पे ब्रेक करने में ज्यादा लगी क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रांग है और निकली कम तो साइन क्या होगा एंडोथर्मिक, डेल्टा एच कैसा होगा पॉजिटिव, और यहां उल्टा है ब्रेक करने में कम देनी पड़ी और निकली ज्यादा क्योंकि सोल्यूशन का इंट्रैक्शन क्या है स्ट्रांग है तो ये कैसा होगा एक्सोथर्मिक होगा। अगली प्रॉपर्टी एंट्रोपी चेंज, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स से बढ़ाया है कि यदि नंबर बढ़ेंगे तो एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ेगी, जब आप ए और बी को मिला रहे हो ए और बी को मिलाने से रैंडमनेस बढ़ेगी, कभी भी दो लिक्विड मिलाए जाए दो सॉलिड मिलाए जाए दो गैस मिलाए जाए तो एंट्रोपी बढ़ती बढ़ती है, बस ये होता है किसी में कम बढ़ रही है किसी में ज्यादा, तो साइन तो सबके पॉजिटिव आएंगे, आइडियल में भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में भी पॉजिटिव आएगा और निगेटिव डेविएशन में भी पॉजिटिव आएगा, क्यों क्योंकि आप दो लिक्विड को मिला रहे हो तो रैंडमनेस बढ़ेगी और रैंडमनेस बढ़ेगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। गिव्स फ्री एनर्जी, तीनों में निगेटिव, क्यों मिलाने से सोल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस, क्यों क्योंकि मिलाने से सोल्यूशन बन रहा है, तो गिव्स फ्री एनर्जी आइडियल की भी निगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन की भी निगेटिव और निगेटिव डेविएशन की भी निगेटिव। अब ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनेंगे और किस तरह से चेंज होंगे, तो आपको पता है भाई हमारी इक्वेशन आइडियल में है पी ए इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, काई ए इक्वल टू जीरो है और काई ए इक्वल टू वन है, तो क्या होगा जब यहां जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, वन डालोगे तो इसके बराबर आएगा, इसी तरह इसका ग्राफ। अब सोल्यूशन का ग्राफ, क्योंकि हमारे पास PT इक्वल टू PA प्लस PB था, PT इक्वल टू PA प्लस PB है तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा होना, तो ये वेपर प्रेशर की लाइन है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इससे ज्यादा आएगा तो इससे ऊपर आएगा, ये देखो ये आइडियल ये ऊपर, ये देखो ये देखो, तो डॉटेड लाइन से ऊपर दिखाना है, चाहे जैसा दिखाओ कर्व फॉर्म में दिखाओ चाहे टेढ़ा मेढ़ा दिखाओ, बस वो डॉटेड लाइन से ऊपर होगा, क्यों क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर ज्यादा बना, किससे ज्यादा बना आइडियल से ज्यादा, और आइडियल कैसा है स्ट्रेट लाइन। निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है वेपर कम बना, वेपर कम बना है तो किसके रिस्पेक्ट में कम बना है आइडियल के रिस्पेक्ट में कम बना है, तो अब वेपर प्रेशर कम है तो आइडियल से नीचे ग्राफ आएगा, ये देखो तीनों ग्राफ आइडियल से नीचे है, क्लियर क्लियर। तो ये देखो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तीनों के, कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। अब बात आती है इसकी, गौर सुनो कि यार यदि हमारे पास दो लिक्विड दिए गए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये आइडियल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये निगेटिव डेविएशन करेगा, तो गौर सुनो क्या लिखा है, लिक्विड मिलाने के बाद यदि इंट्रक्शन सेम रहता है तो आइडियल सोल्यूशन हो। एक टाइप के लिक्विड मिलाए जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन से मिला दो, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट से मिला दो, एल्काइल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड से मिला दो, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिलाओगे तो सेम टाइप का इंट्रक्शन जनरेट करेंगे, और सेम टाइप का इंट्रैक्शन जनरेट कर रहे हैं तो आइडियल, तो क्या होगा आइडियल। देखो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड एराइल हैलाइड,
एथेन प्रोपेन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिलाए जा रहे हैं, तो ये सब आइडियल है। अब इसको पढ़ो, लिक्विड मिलाने के बाद इंट्रैक्शन कम हो गया तो पास्टुरेविएशन। अब वो आपको देखना है, जैसे पानी में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, तो वाटर में कुछ भी मिलाओगे तो इंट्रैक्शन कम हो जाए, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आपने वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर दी। वो कौन होने चाहिए? नॉन आयनाइजेबल मॉलिक्यूल होने चाहिए। यदि वाटर में नॉन आयनाइजेबल मॉलिक्यूल डाल रहे हो तो हमेशा वो पास्टुरेविएशन का केस होगा, क्योंकि वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। जैसे वाटर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल, क्या इनमें से कोई भी पानी में आयनाइज होता है? नहीं। तो इसका मतलब तुमने वाटर का इंट्रैक्शन कम कर दिया, और कम कर दिया तो पास्टुरेविएशन। लिक्विड मिलाने के बाद यदि इंट्रैक्शन बढ़ जाए तो निगेटिव डेविएशन। और कैसे बढ़ता है? जो आयोनाइज होते हैं पानी में, क्योंकि आयोनाइज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो यदि कोई ऐसी चीज है जो पानी में आयोनाइज हो रही है तो ऑलवेज निगेटिव डेविएशन हो। जैसे वाटर में एसिड डाल दो, वाटर में बेस डाल दो, वाटर में आयोनाइज मॉलिक्यूल डाला, वाटर में HCl डाल दिया, वाटर में HNO3 डाल दिया, वाटर में H2SO4 डाल दिया, ये सब निगेटिव डेविएशन है। और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन निगेटिव डेविएशन है, क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना तो क्लोरोफॉर्म में थी ना एसीटोन में थी, मगर जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डाल दो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से ये निगेटिव डेविएशन का केस, जिसकी वजह से ये निगेटिव डेविएशन का केस है। तो ध्यान रखना अच्छे से, दोनों को मिलाने के बाद इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आइडियल, दोनों को मिलाने के बाद इंट्रैक्शन कम हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन, दोनों को मिलाने के बाद इंट्रैक्शन बढ़ रहा है तो निगेटिव डेविएशन। और कुछ ना समझ पाओ तो ऐसे समझा करो, पानी में डालने से आयनाइज हो रहा है तो निगेटिव डेविएशन, पानी में डालने से आयनाइज नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिला रहे हो तो आइडियल। ठीक है, अब आपका मन कर रहा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। क्वेश्चन में लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो इन वेपर प्रेशर कंपोजिशन फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन ए एंड बी इन द सोल्यूशन ए बी इंट्रैक्शन आर। वो कह रहा है ए बी इंट्रैक्शन कैसा होगा, ग्राफ देख के बताओ। यदि आइडियल सोल्यूशन होगा तो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ आपको भी पता है, हमें भी पता है, स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। इसका मतलब आइडियल सोल्यूशन से ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है, और आइडियल सोल्यूशन से ज्यादा वेपर प्रेशर है इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ है तो इंट्रैक्शन कम हुआ होगा। इसका मतलब ए बी इंट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा ए ए इंट्रैक्शन से और बी बी इंट्रैक्शन से। देखो कहां लिखा है, सिमिलर नहीं होगा, ग्रेटर नहीं होगा, स्मॉलर होगा, है ना, स्मॉलर होगा। ठीक है, कर लोगे इसको? बताओ इस क्वेश्चन को करो और आंसर बताओ। ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बेंजीन, तो जरा बताओ पानी में क्या बेंजीन आयनाइज होगा? नहीं होगा, नॉन आयनाइजेबल है। और यदि नॉन आयनाइजेबल है तो पॉजिटिव डेविएशन। पानी में डालने पर आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, और पानी में डालने पर आयनाइजेशन नहीं हो रहा है तो कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग है हमारी ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो यार बच्चों, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वेश्चन कैसे करोगे, इस चीज को समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा, है ना, पेपर में खूब पूछा जाता है। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है,
दोष फिजिकल प्रॉपर्टी, विच इज ओनली डिपेंड अपॉन दोज फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्ट ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। ये किस पे डिपेंड नहीं करेंगी? नॉट साइज पे, पार्टिकल का साइज कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है, पार्टिकल के साइज पे नहीं डिपेंड करती है और ना उसके शेप पे डिपेंड करती है, दोनों पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिपेंड करती है उसके नंबर पे। ऐसी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और वो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? वो मेरे दोस्त ये है, ठीक है, क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और एक एक करके हमें इन सबको पढ़ना है। मगर पढ़ना कैसे है? क्वेश्चन के बेसिस पे, मतलब रिवीजन के बेसिस पे। तो गौर से समझिएगा कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किससे करते हैं? एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को जरा देखो, ठीक है, इस चीज को देखिए। देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की पहले कोई डेफिनेशन बताएगा बच्चा कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? देखो बच्चों, इधर प्रेशर और इधर टेम्परेचर, देखिए बात को समझिएगा, ठीक। पहले हम प्योर लिक्विड की बात करते हैं, तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो देखो यार, हमारे पास एक प्योर लिक्विड था, अभी क्या है? प्योर लिक्विड, ये देखो, प्योर लिक्विड हमारे पास, प्योर लिक्विड। अब मैंने इसका क्या किया? वेपराइज करना चालू किया, वेपर बनने लगी, और वेपर बनने लगी तो वेपर प्रेशर आ गया। तो प्योर लिक्विड का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए, देखते जाइएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए, वेपर बनती गई, वेपर बनती गई, और वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया। ये सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड। और जैसे ही इसने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ?
वेपर प्रेशर, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गए। और जैसे ही ये आपस में बराबर हो गए, इसको क्या कह दोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टीवी। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब आपने इसमें क्या किया? अब आपने इसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब इसको सॉल्यूशन बना लिया। अब आप इसको क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन बना ले रहे हो। ऐसे आप इसमें क्या मिला रहे हो? आप इसमें मिला रहे हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस तरह से, और ये सॉल्यूशन मिला लिया। अब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला लोगे तो गौर सुनिएगा जरा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पीछे पढ़ा के आए हो, पीछे राउंड स्लाम में पढ़ाया आपने कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब वेपर प्रेशर कम हो गया, फिर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो वेपर प्रेशर के सॉल्यूशन की लाइन इसके नीचे चलेगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। आप अभी पीछे ये पढ़ के आए, ये पढ़ के आए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे चलेगा और ये जाके यहां कट किया, और जहां कट कर रहा है वो हमारा क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया इस पॉइंट, और कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा? डिफरेंस डेल्टा टीवी, इतना बॉइलिंग पॉइंट, इतना बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं, इतना बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसका फार्मूला क्या निकल के आया? डेल्टा टीवी इक्वल टू, देखो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीवी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीवी ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो डेल्टा टीवी की वैल्यू ये है। इतनी बात समझ गए क्या? प्योर लिक्विड से ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। वेपर ज्यादा बनेगी तो जल्दी वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, वेपर कम बनेगी तो देर से वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम हो गया, तो उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, इसीलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ये देखो अब इसकी वैल्यू क्या होती है? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा एलिवेशन होगा। तो इसीलिए डेल्टा टीवी इक्वल टू आता है केबीएम। डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना आता है? के बी एम आता है, वेयर के बी क्या है? के बी है एलिवेशन कॉन्स्टेंट। एलिवेशन कॉन्स्टेंट है कौन? के बी। और एम क्या है? मोलालिटी है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए इस तरह से, तो देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सबको? आ गया। अब इसी तरह से एक और टर्म है, उसको भी पढ़ते हैं। वो क्या है? डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होता है इसको बताओ कि ये क्या चीज है? तो गौर सुनिए, ये क्या चीज है? देखो एट दैट
टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड। जिस टेम्परेचर पर उसी के लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये कैसे होगा, गौर समझिएगा, ये कैसे होगा। देखो ये लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, ऐसे चलता चला जाएगा। ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है मतलब सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, क्लियर। इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर, ठीक। अब ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की लाइन चली जा रही है ऊपर की ओर, किसकी होगी, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की, है ना। और ये क्या है, लिक्विड फेज। अब आप इस लिक्विड को सॉलिड में ला रहे हो, तो देखो गौर सुनिए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऐसे है। अब मैं इसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लाऊं, तो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सपोज करो ऐसे आ रहा है और यहां पे टकरा गया, सॉरी अच्छे से बनाते हैं, यहां टकरा गया, ये इसी के सॉलिड फेज का। क्यों, जब आप सॉलिड बनाओगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉलिड का कम होगा। तो जैसे 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 लिक्विड को तुम सॉलिड फेज में ला रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि लिक्विड को सॉलिड फेज में ला रहे हो। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों ने एक दूसरे को कट किया, और दोनों ने एक दूसरे को कट किया तो वो क्या बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसी लिक्विड के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर आपस में इस जगह पे बराबर हो गए, और जिस जगह बराबर हो गए वही क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। देखो जो आपने डिफिनेशन लिखी है वही तो बना है, लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। जब इंटरसेक्शन आता है इसका मतलब वहां पे क्वाड्रेंट बराबर है। अच्छा अब बनाओ सॉल्यूशन। अब प्योर लिक्विड की बात हो गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। जब सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होता है, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होगा, तो सॉल्यूशन वाली लाइन क्या होगी, नीचे से आएगी। क्यों, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है तो इसने यहां कट किया। तो डिफिनीशन क्या है कि जब वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस जगह जो टेम्परेचर आएगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे। तो इस बार फ्रीजिंग पॉइंट ये आया, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट आई है। इधर से देखो ये 0.0 है,
तो वैल्यू नीचे की ओर जा रही है, पीछे की ओर आ रही है। ये डिस्टेंस, ओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, और ये किसकी लाइन है? सॉल्यूशन की लाइन। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ? इतना डिक्रीज हुआ, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ जो होगा ऑलवेज निगेटिव वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि आप लिख रहे हो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा है सॉल्यूशन से, तो यार ये तो निगेटिव वैल्यू आएगी ना। वाटर के केस में ये जीरो होता है भाई, वाटर के केस में ये जीरो है, तो अब ये जीरो से छोटा होगा तो निगेटिव वैल्यू आएगी, है कि नहीं? वो वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव वैल्यू आएगी। तो यार देखो बच्चों, अब क्या होगा? अभी यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो ये आया। अब ये जो डेल्टा टीबी है, एक टीएफ है, ये भी जो होता है कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा, तो लाइन और नीचे से चलेगी, और नीचे से चलेगी तो और कहीं दूर कट करेगी, यहां पे कट करेगी, और यहां पे कट करेगी तो डेविएशन बढ़ गया। तो ये जो डेविएशन होता है, चेंज होता है, वो कंसंट्रेशन के ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ये आ गया ऐसे। ये क्या है? ये भी क्या है? डिस्पर्शन कांस्टेंट है ऐसे। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू ये आया। एम क्या है? मोलरिटी। एम क्या है? मोलरिटी। अब इन दोनों में रिलेशन पढ़ने की बहुत जरूरत है। किसको क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं, किसको क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये अभी बताएंगे। पहले सारी डिफिनेशन हो जाए फिर बताते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक और बात आती है, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं कि कौन कौन सी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब एक बात होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको बताते हैं। तो देखो पहले बच्चों, आपको ये बात बताते हैं, ये एक कंटेनर है ऐसे, इसमें मैंने बीच में क्या किया, एक मेम्ब्रेन लगा दी इस तरह की, ये देखो ये एक मेम्ब्रेन है, इसमें मैंने क्या लगा रखी है, एक मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। अब एक तरफ मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, जिसका कंसंट्रेशन C1 है, मोलर है। एक तरफ मैंने दूसरा कंसंट्रेशन भर दिया, जिसका कंसंट्रेशन C2 मोलर है, जिसका कंसंट्रेशन C2 मोलर है। अब देखो ऑस्मोसिस होती क्या है, पहले एक डिफिनीशन पढ़ाता हूं ऑस्मोसिस, फिर ये पढ़ाऊंगा ऑस्मोसिस। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब वह अपने आप होता है। उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का माइग्रेशन होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये कैसा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इसमें होता क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, सिर्फ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स माइग्रेट लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का माइग्रेशन होता है। अब यदि हम सपोज कर ले, अच्छा यहां पे अभी ये आधी रह गई है, टू एसपीएम, एसपीएम के थ्रू, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये एक स्पेशल प्रकार की झिल्ली होती है जिसका काम होता है सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ले जाना, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ले जाना, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं होते हैं एसपीएम के थ्रू। तो ये बताओ सबसे पहली बात, एसपीएम का काम क्या है? एसपीएम का काम है ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का माइग्रेशन। तो किसी ने कहा सॉल्यूट के क्यों नहीं जाते, सॉल्यूट के क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये लार्ज साइज के होते हैं और सॉल्वेंट स्मॉल साइज के होते हैं। मेम्ब्रेन का जो होल होता है वो इस तरह से डिजाइन होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट जा पाए, क्योंकि सॉल्वेंट स्मॉल साइज के, सॉल्यूट लार्ज साइज के, नहीं तो मेम्ब्रेन के पास कोई दिमाग थोड़ी ना है कि ऐसे करें, अच्छा तुम सॉल्यूट हो चलो किनारे, अच्छा तुम सॉल्वेंट हो आ जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर अपने आप सिर्फ सॉल्वेंट चले जा रहे हैं और सॉल्यूट नहीं जा पा रहे, तो रीजन क्या होगा? साइज, सॉल्यूट पार्टिकल के जो साइज हैं वो बड़े हैं और सॉल्वेंट के छोटे हैं, इसलिए वो माइग्रेट कर पाते हैं, इसलिए वो माइग्रेट कर पाते हैं एसपीएम के। अब देखो हम यदि ये मान लें कि C1 ग्रेटर है C2 से, तो माइग्रेशन किस साइड हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर इस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है, इस साइड, ठीक इस साइड हो रहा है। अच्छा कंसंट्रेशन यदि C1 का बड़ा है तो प्रेशर किसका बड़ा हो बताओ, क्योंकि आपने कहा C1 का कंसंट्रेशन C2 से जाता है तो प्रेशर उल्टा होगा, क्यों? कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा ना। अभी पीछे पढ़ के आया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि सॉल्यूट ज्यादा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो इस कंपार्टमेंट का वेपर प्रेशर कम होगा, इस कंपार्टमेंट का ज्यादा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब जरा देखो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताते हैं। अब एक बच्चे का मन है कि यार सर, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? एक बच्चे का मन है कि सर ये प्रोसेस रोक दो, होना नहीं चाहिए, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हो वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ना जाए, ऐसा कुछ कर दो। तो मैंने कहा यार दोस्त, हम कोई बाबा थोड़ी ना है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा करने के लिए हमें थोड़ी साइंस लगानी पड़ेगी। तो उसने कहा साइंस लगाओ। तो मैंने देखो क्या किया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है, जैसे ही दोनों कंपार्टमेंट का प्रेशर सेम हो जाएगा वैसे ही ऑस्मोसिस रुक जाएगी। अब हमें किस साइड एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा? जिधर प्रेशर कम हो, इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन की साइड हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर देते हैं जिससे दोनों साइड का प्रेशर कम हो जाए। दोनों साइड का प्रेशर जैसे ही कम हो जाएगा, दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाए, और दोनों साइड का प्रेशर जैसे ही इक्वल हो जाएगा ऑस्मोसिस रुक जाएगी, और जो तुम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इसी एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। तो किधर अप्लाई करोगे? बराबर करना, तो कम वाली की साइड अप्लाई करोगे ना, तो हम कम वाली की साइड एक प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, इस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। और कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं? जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए।
जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए लो प्रेशर, लो वेपर प्रेशर की साइड में लगाया जाता है। एस अब लो प्रेशर किसका है? इसका। तो इसका मतलब तुमने P1 में जोड़ा, P1 में जोड़ने की वजह से दोनों प्रेशर बराबर हो गए, और प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो पाई की वैल्यू क्या आ गई? तुमने कितना वेपर प्रेशर लगाया? तुमने इतना वेपर प्रेशर लगाया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? दोनों के डिफरेंस के बराबर, दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये देखो, दोनों में जितना डिफरेंस है उतना आपको प्रेशर लगाना है, और इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो किसी बच्चे ने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो बताओ इसको 10 प्रेशर चाहिए था, तुमने लगा दिया 20। प्रेशर 10 चाहिए था, लगा दिया 20, तो ज्यादा लगा दिया, तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन पलट जाएगी। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यदि ऑस्मोसिस प्रेशर से, ये प्रेशर रोकने के लिए है, इससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दो, तो इफ पी एक्सटर्नल की वैल्यू यदि ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा आ गई, मतलब तुमने उससे ज्यादा लगा दिया, तो इसको बोल देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन पलट जाएगी, है ना, ऑस्मोसिस अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। ऑस्मोसिस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। ये है, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, और इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब बात आती है कि ये ऑस्मोसिस प्रेशर, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड किस पे करता है? तो देखो, डिपेंड किस पे कर रहा है? डिफरेंस पे। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा प्रेशर बाहर से लगाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो बाहर से प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो बाहर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है, एक मिनट, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। और जब इसको और सॉल्व करते हैं तो आ जाता है पाई इक्वल टू सी आर टी। ये देखिए, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सारी की सारी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी, सारी की सारी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी, मगर ये जितने भी फार्मूले मैंने पढ़ाए हैं ये सब आइडियल गैस पे अप्लीकेबल, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन पे अप्लीकेबल है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। कौन? ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी एम, पाई इक्वल टू सी आर। ये सब के सब हमारे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और जनरली
सोल्यूशन नॉन आइडियल भी होता है, आइडियल भी होता है। तो जब नॉन आइडियल होगा तो इस पर ये वैलिड नहीं होंगे, इस पर ये वैलिड नहीं होंगे। तो इस वजह से हमें एक और टर्म पढ़ना पड़ता है, वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि ये सिर्फ आइडियल के लिए वैलिड है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये फार्मूले यूज नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये आइडियल के लिए बनाए गए हैं। तो नॉन आइडियल के लिए इन फार्मूले को यूज करने के लिए हमें एक टर्म पढ़ना पड़ता है जिसका नाम होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने के बाद हम इन सबको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब हमारे पास एक टर्म आया वांट ऑफ फैक्टर, और फिर इन सबके क्वेश्चन भी कराएंगे, एक साथ कराएंगे सारे क्वेश्चन, है ना? टर्म क्या आया? वांट ऑफ फैक्टर। क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर, कैसे काम करता है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो यार, वांट ऑफ फैक्टर कैसे करोगे इसके बारे में बताओ। देखो, वांट ऑफ फैक्टर की चर्चा करते हैं, मतलब इसके बारे में बताते हैं। होता क्या कि बहुत सारे सोल्यूशन नॉन आइडियल है। अब जब नॉन आइडियल है तो ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेंगे, तो यार हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को मॉडिफाई करना। तो इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए हम उसमें एक चीज जोड़ देते हैं, आई। और वो कैसे जोड़ी जाती है, क्या होती है, उसको मैं समझाता हूँ, गौर समझिएगा, है ना? उसको मैं समझाता हूँ आप, जैसे आप आसानी से उस चीज को समझ सको। क्लियर? देखो बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जब मॉलिक्यूल के नंबर चेंज होंगे तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब मॉलिक्यूल के नंबर चेंज कब होते हैं, कैसे होते हैं, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। या तो मॉलिक्यूल के नंबर एसोसिएशन की वजह से चेंज हो सकते हैं, भाई दो मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो एक हो जाएगा ना, जैसे ए है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, मगर जब पानी में गया तो ये ए टू हो गया। तो पहले कितने थे, दो पार्टिकल थे, अब कितने हो गए, एक पार्टिकल हो गया। तो नंबर चेंज हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह मान लो पानी में जाने पे वो डिसोसिएट हो जाए, पहले कितना था, ए था, पानी में गया ए वन प्लस ए टू हो गया। तो पहले कितने थे, एक पार्टिकल थे, है, अब कितने हो गए, दो पार्टिकल हो गए। तो नंबर क्या है, चेंज हो गए, चेक करो नंबर क्या है, चेंज हो गया। तो नंबर चेंज होंगे, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की सिंपल सी डिफिनीशन है कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। इसी वजह से हमको एक वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, और वो वांट ऑफ फैक्टर ऐसे निकाला जाता है। गौर सुनिए, पहला केस डिसोसिएशन, पहला केस हम कर रहे हैं डिसोसिएशन। हमने माना कोई ए था और एन बी में डिसोसिएट हो गया। ए था कितना है, एक, और कितने में डिसोसिएट हो गया, एन मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो गया, जीरो टी इक्वल टू जीरो पे। अब डिसोसिएशन मान लो अल्फा होगा तो ये क्या आएगा, एन अल्फा, एन इन सॉल्यूशन। तो अब जरा देखो क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर बच्चों आई इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद के नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के पहले के पार्टिकल के नंबर और एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद के पार्टिकल के नंबर। तो देखो पहले के पार्टिकल के नंबर कितने हैं? एक। और बाद में कितने हैं? जोड़ दो बाद में इतने हैं। तो बाद के पार्टिकल के नंबर ये और पहले के ये, तो ये चीज आ गई I इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। ये फार्मूला आ गया I का। I क्या है? वन टॉप फैक्टर। किसके केस में? डिसोसिएशन के केस में, वेयर वेयर एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म बाय वन मोल ऑफ सॉल्यूट। एक मोल सॉल्यूट से कितने पार्टिकल फॉर्म हो रहे हैं? एक मोल सॉल्यूट से कितने पार्टिकल फॉर्म हो रहे हैं? वो है एन। वो क्या है? एन। तो आई इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों ने कहा आगे, मतलब मैंने कहा देखो इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो देखो ये हमारा फार्मूला है। यदि अल्फा को 100% माना जाए, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 रखी जाए, तो जरा आई की वैल्यू निकाल। यदि अल्फा 100% है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू एन के बराबर आए, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू एन के बराबर। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको 100% डिसोसिएशन के साथ करके देता हूं। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा? ऐसे ब्रेक होगा। तो एन की वैल्यू कितनी है? 3। यहां पे एक है, 2 और एक 3। एक मोल सॉल्यूट पार्टिकल से कितने मोल पार्टिकल फॉर्म हुए? 3 मोल फॉर्म। तो आई इक्वल टू कितना आएगा? 3। जैसे ये देखो, कोई ये लिख रहा है के टू, ठीक है, एच जी आई फोर। अब ये क्या है? ये इस तरह से ब्रेक होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ऐसे। अब आई की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी है? 3। क्यों? एक मोल से कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2 और एक 3। तो एन की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू 3। क्यों? 100% डिसोसिएशन माना जा रहा है। अब जैसे ये ले लो Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यहां चेक करो, एक मोल से कितने पार्टिकल आ रहे हैं? 5। एन की वैल्यू 5, तो आई की वैल्यू 5, क्योंकि 100% डिसोसिएशन माना जा रहा है। 100% डिसोसिएशन माना जा रहा है। क्लियर? क्लियर है। अब इसी तरह से एसोसिएशन देखो, यदि एसोसिएशन होगा तो कैसे होगा? तो यार बच्चों एसोसिएशन में भी यही होगा, एन नंबर थे जुड़ के बी हो गए, एन नंबर थे जुड़ के बी हो गए। तो क्या है? 1 0 1 माइनस अल्फा
तो ये क्या होगा अल्फा बाई एन। कैसे जरा समझिएगा, जब इसका एन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो इसका एक फॉर्म होता है, एन ब्रेक होता है एक फॉर्म होता है, एक ब्रेक होगा वन बाई एन फॉर्म होगा, अल्फा ब्रेक होगा, ये देखो अल्फा ब्रेक होने पे इतना फॉर्म होता है, तो इनिशियल कितने हैं वन, फाइनल कितने हैं सॉरी, तो I इक्वल टू क्या आया, I का फार्मूला क्या है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, वो ये है। और बिफोर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। तो इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा। तो एसोसिएशन के केस में ये फार्मूला चलेगा, डिसोसिएशन के केस में ये फार्मूला चलेगा, और सेम चीज है, सेम चीज है। अब आपको की पॉइंट बता देता हूं जिससे आपको गलती ना हो। सीएसडी पकड़ो, सीएसडी को जरा समझिएगा। देखो वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में ये फार्मूला है, किसके केस में डिसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में ये फार्मूला है, बस इसी को वन अपॉन एन कर दो, ये देखो ऐसे, यदि अल्फा की वैल्यू वन है या 100% है तो आई की वैल्यू एन के बराबर, यदि अल्फा की वैल्यू वन है मतलब एसोसिएशन 100% हो रहा है तो आई की वैल्यू वन बाई एन के बराबर, ये देखो। अब कुछ मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन इतना टफ होता है कि बच्चे उसको कर नहीं पाते, गलत कर देते हैं, जैसे ये देखो Hg2I2, ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना ऐसे ब्रेक होता है, मर्क्यूरस की प्लस वन वैलेंसी ऐसे ब्रेक होती है, इसी तरह कॉपर का ये, इसमें बच्चे ब्रेक गलत कर देते हैं, ब्रेक गलत कर दोगे तो n की वैल्यू गलत हो जाएगी, n की वैल्यू गलत हो जाएगी तो i गलत हो जाएगा, और i गलत हो गया तो आप सभी जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर गलत हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक होता है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल है जिनके बारे में ध्यान रखिएगा, इनकी ब्रेकिंग बच्चे गलत कर देते हैं, और बाकी तो नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल की ब्रेकिंग आपको पता है, नॉर्मल की ब्रेकिंग आपको पता है। देखो वांट ऑफ फैक्टर पे मैं क्वेश्चन भी लाया था, देखता हूं कहां है वो, उसको कराते हैं, है ना, उसको कराते हैं, और फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, जैसे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा, अरे रुक जा 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 रुक जा, ये देखो इसको ऊपर ले चलता हूं, आप करें, हाँ करो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution, the value of its want of factor is, तो यार ये डिसोसिएट हो रहा है तो want of factor की वैल्यू ये होती है, अब I इक्वल टू 1 प्लस n, n की वैल्यू क्या है, ये ऐसे डिसोसिएट होता है, ऐसे तो n की वैल्यू 3 और अल्फा की वैल्यू 40% है ना, तो ये I इक्वल टू आ गया 4 आंसर निकल। ठीक है, इस तरह से आप वांट ऑफ फैक्टर को करोगे।
तो यार जब वांट ऑफ फैक्टर यूज हो जाता है तो देखो अब किस तरह से चीजें चलती हैं। अब हम उनको देखेंगे कि जब वांट ऑफ फैक्टर लगा दोगे तो फार्मूले कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर इन फार्मूले को कैसे करोगे। ठीक है चल। हाँ भाई तो देखो वांट ऑफ फैक्टर आपने बता दिया तो समझ लो अब सब कुछ हो गया। अब जरा देखो वांट ऑफ फैक्टर लगाने के बाद ये फार्मूले कैसे हो जाएंगे और ऑलवेज हमें यही फार्मूले यूज करने हैं। ऑलवेज हमें यही फार्मूले यूज करने हैं। ये जो चीज लिखी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो मैं समझाता हूं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी, डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी इक्वल टू आई के बी एम। वांट ऑफ फैक्टर लगा दिया। वांट ऑफ फैक्टर लगाने से क्या होगा? सोल्यूशन चाहे जैसा हो सबके लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल हो गया। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, आपको कुछ नहीं करना। यदि कोई सोल्यूशन हमारा आइडियल है, देखो यदि कोई आइडियल सोल्यूशन होगा तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर अपने आप आई इक्वल टू वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, ये ना तो एसोसिएशन करते हैं ना डिसोसिएशन करते हैं। यूरिया, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं करते, तो इनके लिए आई की वैल्यू वन है, आई की वैल्यू वन है। ठीक है तो अब आप ध्यान रखना हमें इस तरह से फार्मूले यूज करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ऑलवेज ये यूज करो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी वन। यदि वो आइडियल होगा तो आई इक्वल टू वन, नॉन आइडियल होगा फार्मूले से निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। अब देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आई के प्रोपोर्शनल है, क्यों? के बी क्या है? कॉन्स्टेंट। एम क्या है? कॉन्स्टेंट। तो यदि कंसंट्रेशन सारे सोल्यूशन का सेम कर दिया जाए तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसी का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यदि ये देखो है, अब गौर सुनो, बॉइलिंग पॉइंट भी ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टीबी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, किसी प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। डेल्टा टी बी के बी के भी बराबर है। यदि आई और एम कांस्टेंट है तो डेल्टा टी बी के बी बराबर है। इसका मतलब यदि दो अलग अलग सॉल्यूशन है और उन सॉल्वेंट के बी दिए हैं, कंसंट्रेशन सेम है, आई सेम है और सॉल्वेंट का के बी ज्यादा है तो उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये देखो इसी तरह से यहां पे आओ, दोनों को पैरेलल दिखा रहा हूं जिससे डिफरेंशिएट भी कर सको। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यदि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है। न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है कह रहा हूं इसका मतलब आप मॉड लगा सकते हो ये मॉड के फॉर्म में, क्योंकि इसकी वैल्यू जनरली निगेटिव होती है। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना ही कम होगा, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू होती है ना, ये निगेटिव वैल्यू होती है। तो डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आई उतना कम डेल्टा टी एफ। मॉड लगा है, ध्यान रखना मॉड लगा के लिखा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि किसी का वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका डिस्पर्शन इन सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि डेविएशन तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये माइनस वैल्यू है ना, ये डेल्टा टी एफ माइनस वैल्यू है और ये चीज कांस्टेंट है, तो यदि ये माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये कम होता चला जा रहा है, तभी तो ये माइनस में बढ़ता चला जाएगा।
डेल्टा टी एफ के एफ के प्रोपोर्शनल है ना। अब आगे आ जाओ, आगे पढ़ो, देखो केबी क्या होता है, ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। जो केबी है एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ये मेरे दोस्त सिर्फ सॉल्वेंट के लिए आता है। यदि सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू भी सेम होगी, ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट और वेपर ऑफ सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होती है, सॉल्यूट का वेपराइजेशन नहीं होता है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो वेपराइजेशन की जो इक्विलिब्रियम आ रही है वो सिर्फ सॉल्वेंट के बीच में है, इसी वजह से केबी सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड। अब केबी इक्वल टू केबी इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इनटू हीट ऑफ वेपराइजेशन। मान लो किसी जगह पे केबी की वैल्यू पूछ ली जाए कि केबी कैसे निकालोगे, है ना, केबी कैसे निकालोगे, तो KB इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में ऐसा है और इंथल्पी ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में ये। इसी तरह ये KF भी सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। और यहां पर भी फ्रीज कौन होता है, सिर्फ सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट तो पहले से ही फ्रीज है, वो पहले से ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, तो फ्रीज भी कौन हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट। इसका फार्मूला भी डिट्टो सेम है, आर टी एफ स्क्वायर, टी एफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहां टी बी क्या है फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो, ठीक है, इसी तरह से आई का यूज इसमें। अब फिर इसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू आई सी आर टी। यदि सी और टी कांस्टेंट है तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो I1C1 इक्वल टू I2C2 है। यदि मान लो किसी जगह पे एक से ज्यादा सोल्यूट हो, यदि किसी सोल्यूशन में एक से ज्यादा सोल्यूट पड़े हो, तो यही फार्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाए, पाई इक्वल टू समेशन I1C1 RT1। दो सोल्यूट है तो I1C1 प्लस I2C2 RT, तीन है तो इसी तरह तीन कर। बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से हम मॉलिक्यूलर वेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले में लगाकर। क्लियर, क्लियर, आई का कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अब हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आई लगा के करेंगे, बिना आई के हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन करना है 5-10 मिनट, अब पढ़ो और करो, मतलब दोनों लोग मिलके करते करो। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज दिस। देखो आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, KB इक्वल टू 0.252 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी। अब आप गौर से इस क्वेश्चन को देखो, आपसे कहा गया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, पीएफ की वैल्यू दी है और बेटा पी नॉट अपने आप आपको पता होना चाहिए। किसी ने कहा क्यों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट पे किसी का भी वेपर प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ चल रहा होगा तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं देगा, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ऑलवेज वेपर प्रेशर फिक्स होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये डेफिनेशन है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये साथ साथ में क्या दिया है आपको,
के भी दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी, तो यार बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो डेल्टा टी एफ चाहिए, क्यों, डेल्टा टी बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है और टफ भी है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो ये तो निकालना है आपको, और ये 100 डिग्री दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बट डेल्टा टी भी कहीं से मिल जाए, यदि डेल्टा टी भी मिल जाएगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा डेल्टा टी भी कैसे मिलेगा, देखो आपको दिया है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, और कल मैंने बताया था एन ए अपॉन एन बी को लिख सकते हो मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, मोल कॉन्सेप्ट में ये बात पढ़ाई थी कंसंट्रेशन। अब यार डेल्टा टी बी हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है आई के बी एन, आई की वैल्यू 1 डाली, किसी ने कहा आपने आई 1 क्यों डाल दिया, क्या सल्यूट का नाम दिया है, नहीं, जब सल्यूट का नाम ही नहीं है तो इसका मतलब आइडियल सोल्यूशन होगा, यदि नॉन आइडियल होगा तो नाम दोगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि एसोसिएशन करना है या डिसोसिएशन करना है कि नहीं। के बी की वैल्यू दी है, अब बस कहीं से एम पता चल जाए तो डेल्टा टी भी निकल आएगा, यहां डाल देंगे तो ये आ जाएगा। एम कैसे पता चलेगा, यहां से, क्योंकि जिस सोल्यूशन का डेल्टा टी भी डिस्कस हो रहा है निकालना है उसी सोल्यूशन का तो प्रेशर दिया है, तो बस वैल्यू डाल दो। अब ये कितना हुआ, एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो 28 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 732 2.125 आ गया, इसको उठा के यहां डाल दो 2.125, तो 2.125 इंटू 0.052 इंटू 1, ये आ गया 1.105, इसको यहां डाल दो 1.1 इक्वल टू टी बी ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जुड़ गया टी बी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 101.05 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 101 आंसर आ रहा है, ऐसा कहीं है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन नहीं था भाई। उसने हमसे कहा कि यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताओ, हमने कहा यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तभी निकल पाएगा जब टीबी निकलेगा, और टीबी तब निकल पाएगा जब मोलरिटी निकलेगी, और मोलरिटी हमने यहां से निकाल ली है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को आप, ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन एथेनॉल, अब एसीटोन और एथेनॉल का सोल्यूशन है, तो जरा बताओ ये किस टाइप का सोल्यूशन होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। हाँ बच्चे, तो अब बताओ यार क्या होगा, आपने एसीटोन में इथाइल अल्कोहल डाला है, तो यार इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और तुम उसमें एसीटोन डाल दोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, है तो बॉन्ड वीक हो रहे हैं, और बॉन्ड वीक हो रहे हैं तो पास टू डेविएशन होगा, बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, तो ये पास टू डेविएशन, क्यों, एसीटोन में आपने इथाइल अल्कोहल डाला, दोनों अलग अलग कैटेगरी के मॉलिक्यूल है, इसलिए राउल्ट्स लॉ को तो फॉलो करेंगे नहीं, है ना। चलो अब इसको करें, सारे क्वेश्चन करेंगे अब, विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब देखो आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव होता है, डेल्टा बी इक्वल टू जीरो होता है, और पी ऑब्जर्व माइनस पी राउल्ट
ये भी जीरो होता है, क्यों? क्योंकि PT इक्वल टू PA प्लस PB, तो इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस तो जीरो है ना। ये ऑब्जर्व है जो एक्सपेरिमेंटली निकलता है, और ये राउंड फ्लावर है ना, तो सिर्फ ये आए जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब आगे बढ़ते, अब जरा देखो यार ये क्वेश्चन करते, इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल किलोग्राम इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर, कंसंट्रेशन सेम है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस केस, एक्स इज अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर। तो पहले वो क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्स का वो ग्रेटर है बॉइलिंग पॉइंट वाई के। यदि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा होगा, क्यों बच्चों? भाई डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दोनों में वाटर है वो तो सेम ही होगा, तो इसका मतलब यदि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा होगा। अच्छा, अब डेल्टा टीबी यदि इसका ज्यादा है तो दोनों में सॉल्यूट दिया गया है। अब देखो दोनों में क्या दिक्कत है, कंसंट्रेशन इसका मैंने लिखा एक्स के एक्स, गौर से देखते जाइए एम एक्स, इसका मैंने लिखा वाई के वाई एम, कंसंट्रेशन सेम है, कट गया। ये देखो दोनों का सॉल्वेंट सेम है, कट गया, दोनों सॉल्वेंट सेम है, वाटर में है दोनों, इक्वल सॉल्यूशन, कट गया। इसका मतलब ये आया, यदि बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज्यादा है तो इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर भी एक्स का ज्यादा है। अब एक्स डिसोसिएट होगा तभी तो वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जब कंसंट्रेशन सेम है तो मॉलिक्यूलर मास से लेना देना नहीं है, है ना। वाई डिसोसिएट हो रहा है तो यदि वाई डिसोसिएट होगा मेरे दोस्त तो वाई का आई बढ़ जाएगा, और वाई का आई बढ़ेगा तो वाई का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, यहां तो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कह रहा है, तो ये भी गलत है, ये सही है। एक्स का बॉइलिंग पॉइंट यदि वाई से ज्यादा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आई जो है एक्स का वाई से ज्यादा होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब एक्स डिसोसिएट हो रहा हो वाई डिसोसिएट ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम कर रखा है और के की वैल्यू सेम है क्योंकि सॉल्वेंट सेम है। अच्छा क्वेश्चन है, करो अब इसको पढ़िए। ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर इक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्शन मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछ रहा है, और ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, आई के प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा वैल्यू। अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहां पे आई इक्वल टू 2 है, यहां पे आई इक्वल टू 1 है कार्बोहाइड्रेट है, यहां पे आई इक्वल टू 5 है, आई क्या है एन, एन कितना है 5, और यहां पे आई इक्वल टू 3 है, यहां पे आई इक्वल टू 3 है। अब यार लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन और ये निगेटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसका सबसे ज्यादा आएगा, है ना, डेल्टा टी एफ इसके बराबर है मॉड, मगर यदि ये वैल्यू देखो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है ना, है तो आंसर क्या आएगा ये, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी आएगी ना, माइनस 100 और माइनस 10 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, खेल यहां पर है, तो जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। Which of the following equals solution has minimum freezing point? अब देखो solution का freezing point पूछ रहा है, deviation नहीं पूछ रहा है, minimum freezing point। तो यार freezing point of solution जो होता है वो inversely proportional I होता है। और यहाँ पर m भी variable है, कि m same है, m m m m m m अलग अलग है, तो भाई m भी आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि m भी variable है। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, देखो समझना,
ये होता है। ये कांस्टेंट है, छोड़ दो। अब जिसकी वैल्यू ये निगेटिव होगी, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे बड़ा। तो निगेटिव में बड़ी वैल्यू देखनी है कि नहीं, इसका मतलब वो बड़ा है। तो अब आप चेक करो, तो देखो आई की वैल्यू 2 इंटू 0.0 और ये माइनस वैल्यू वाली है तो ये आया 0.02, ये सब माइनस में है। इसकी निकालो 3.005 तो ये 15 हो गया। ये निकालो, ये तो यही रहेगा क्योंकि ग्लूकोज है 1, ये 2, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, यही आंसर होगा क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो होगी माइनस की वैल्यू है और माइनस की छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मानी जाती है ना। तो आंसर क्या है सी, एन इक्वल सॉल्यूशन इज 1 मोलल इन KI विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू इंक्रीज। गौर सुनिएगा, KI का सॉल्यूशन है, उसमें ऐसा क्या किया जाए कि वेपर प्रेशर बढ़ जाए। देखो एन इक्वल सॉल्यूशन इज 1 मोलल इन KI विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। यदि वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हो तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। कंसंट्रेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि फार्मूला तो ये है ना। तो कंसंट्रेशन कम होगा तो डेविएशन कम होगा। तो देखो एडिशन ऑफ NaCl, KI और NaCl से तो सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ जाएंगे। एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट, एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ KI, एडिशन ऑफ वाटर, बताओ। तो एडिशन ऑफ वाटर, क्यों वाटर को ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और कंसंट्रेशन कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि डेविएशन इन वेपर प्रेशर है ना। अब यार ये वैल्यू यदि कम होती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि तुम पानी मिला रहे हो, तो पानी मिला रहे हो तो सॉल्वेंट मिला रहे हो और सॉल्वेंट मिलाओगे तो मास आप या मोल आप सॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे और मोल आप सॉल्यूशन बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा और मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पीएस की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा क्वेश्चन, इसको करो। अब ये देखो 0.002 m इक्वल सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CONH3NO2Cl फ्रीज एट इतने डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व इन वाटर विल बी। वो कह रहा है 1 मोल कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो कितना आयन आएगा, उसके लिए मुझे इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखा है, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं लिखा है, तो पहले आई निकालो क्योंकि आई से पता चलेगा कि क्या आएगा। क्यों, आप क्या कहते हो 1 मोल मॉलिक्यूल कितने आयन इशू कर रहा है, ये कौन बताता है, एन। तो यदि आई निकल आया तो एन निकल आएगा और एन ही तो पूछ रहा है, एन पूछ रहा है और 100% अल्फा है तो आई की वैल्यू निकाल लो तो एन निकल अपने। आई कैसे निकलेगा, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम, माइनस हटा देते हैं, आई निकालना है, के एफ की वैल्यू 1.86, एम की वैल्यू 0.002। अब इसको सॉल्व कर, चलो सॉल्व करते हैं, 0.00732 डिवाइडेड बाय 1.86 डिवाइडेड बाय 0.0002
तो आई की वैल्यू 2 आ रही है, 1.96 आ रही है, तो अप्रोक्सीमेट 2 हो गई। आई की वैल्यू 2 तो एन की वैल्यू 2, इसका मतलब एक मोल के डिसोसिएशन से क्या आएगा, 2 आएंगे आयन एक मोल के डिसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको देखते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। At 25 degree centigrade, the highest osmotic pressure is exhibited by 0.1 molar solution. Osmotic pressure जो है I के proportional होता है। अब concentration constant है, तो जिसका I ज्यादा होगा उसका osmotic pressure ज्यादा होगा। Concentration सबका same है, I equal to कितना है 3, 1 और 2, I equal to कितना है 2, 1 और 1, I इक्वल टू कितना है 1। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, यूरिया भी, तो सबसे ज्यादा इसका है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसी का ज्यादा होगा, है कि नहीं। चलो और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, नीट 2021 का है, पढ़ो। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद बेंजीन टू टाइल्यूट टू ऑक्टेन इन द मोलर रेशियो इतना। एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इतना एंड ऑक्टेन इज इतना, अज्यूम आइडियल हो जाए। पूछ क्या रहा है, पढ़ो। द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, तो यार वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये पूछ रहा है, ये हमें निकालना है और इनके मोल के रेशियो दिए हैं, तो बात खत्म हो गई यार, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये लो अब कर लो, इसका कितना दिया है 280, ये कौन है बेंजीन, और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, बेंजीन के मोल है 3 और टोटल मोल है 5, टोटल मोल कितने हुए 3 + 2, इसमें से 3 कौन है बेंजीन, उसका कितना है 420, और मोल फ्रैक्शन कितना है ये, अब कट्टम काट के लो, तो भाई 5 × 7 = 25, 5 × 6 = 30, 8 × 5 = 40, 5 × 6 = 20, तो 36 × 18, 5 × 3 = 15, 116, 8 × 16 = 16, 16 × 1 = 12, 1 = 13, 2 = 3, 336 का ही आंसर है कि नहीं। यार आपको मोल दिए हैं, प्रेशर दिया है, डायरेक्ट फार्मूला ही डाल दे, उनके मोल के रेशियो दिए हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2021 का है। द फॉलोइंग सोल्यूशन वेयर प्रिपेयर बाई डिजोल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, अच्छा 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, यार हम सबको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू आई सी आर टी। अब सबके सब क्या लिखे हैं, यूरिया लिखा है, सुक्रोज लिखा है, और एक कौन सा है ग्लूकोज, तो सबके आई वन है, तो आई तो हटा दो, अच्छा टी सेम है, आर सेम है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अब सबकी कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, अब सबका एमएल सेम है 250, 250, 250, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, इसका मतलब जिसके मोल ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, सबके 10-10 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ यार, वेट भी, ये देखो वेट भी सेम है, तो इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम। अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, तो यूरिया कौन है, पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज P1 है, मॉलिक्यूलर वेट 180 है, यूरिया
पी टू है, मॉलिक्यूलर वेट 60 है, सुक्रोज पी थ्री है, मॉलिक्यूलर वेट 342 है। तो इसका मतलब पी टू की वैल्यू सबसे बड़ी, फिर पी वन, फिर पी थ्री, पी टू पी वन पी थ्री, ये आंसर हो गया पी टू पी वन पी थ्री, है कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मास 56 बॉइल्ड एट 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ के बी एंड के एफ ऑफ वाटर इज दिस दिस, द अबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट। अब देखो यार, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आई के बी एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होगा आई के एफ एम, ठीक। अब एक एक करके डालो, ये देखो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो डेविएशन कितना हुआ 0.18, क्यों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो 100.18 माइनस 100 तो पॉइंट सॉरी 18 आ गया क्या, डेल्टा टीवी। आई कितना दिया है, क्या नाम दिया है, यूरिया, यूरिया के लिए आई वन, केबी की वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, उसी सॉल्यूशन का केएफ है, उसी सॉल्यूशन का केआई। अब इसमें आओ, डेल्टा टीएफ निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, आई वन केएफ की वैल्यू ये, कंसंट्रेशन ये, अब डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसे आ गया। अब डिवाइड करने में किसको डिवाइड करना है, 512 डिवाइडेड बाई 186, 512 डिवाइडेड बाई 186, तो ये आ रहा है 2.75, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो गया, तो 0.18 डिवाइडेड बाय 2.75, तो ये वैल्यू आ गए 0.065। अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो 0.05 इक्वल टू सॉल्यूशन का हमें निकालना है, वाटर का जीरो होता है, तो अब आप समझ गए सॉल्यूशन का कितना आ गया है। अब ऐसा देखो कहीं आंसर है, ओहो मेरा एक जीरो और लग रहा है, और ये दोनों सेम लिखे हैं, माइनस वाला होगा इसमें, जीरो का देख लो जरा कहीं मैंने जीरो की मिस्टेक की है क्या, सॉरी बच्चों जीरो की मिस्टेक तो कहीं नहीं की है मैंने, किसी ने कर दी है जीरो की मिस्टेक लिखने में, मैं एक बार और देख लेता हूं, हाँ सही है, यहां पे एक जीरो और लगेगा है ना, एक में ऐसे आएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बस कैलकुलेशन ही चेक करनी है, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा नहीं आएगा, यहां पे दो है यहां पे एक है, हाँ बच्चों मेरी गलती है, शायद नहीं आएगा, गलती समझ गए, यहां पे 0.521 है और ये 1.86 है, तो ये कटेगा नहीं, ये ऐसे आएगा, ओ ये ऐसे आएगा, और ऐसे जब डिवाइड करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो यहां पर भी पॉइंट यहां नहीं आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा, तो ये वैल्यू जो है एक पीछे चली जाएगी, कितनी थी 6.5, तो यहां पर भी ये ऐसे आ जाएगा, समझ गए ना बच्चों गलती क्या है।
ये आंसर है। और वैल्यू किसमें होगी? निगेटिव में। अब देखो यहां निगेटिव पास्ट भी दोनों बना दिया है आपको परेशान करने के, है ना। चलो अब जब जिद कर रहे हो तो ये भी करो, इसका भी आंसर निकाल के बताओ क्या है। ए सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 5% सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज। अब देखो ए सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक, यदि दो सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे तो ये बराबर होगा। अब यूरिया के सोल्यूशन का ये वन हो गया, अब यूरिया के सोल्यूशन को लिखो, कंसंट्रेशन क्या है 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और डेसीमीटर क्यूब है तो वैल्यूम 1। अब दूसरा कौन है आइसोटोनिक विद 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल, तो यार आई इक्वल टू 1। किसी ने कहा सर आपने आई इक्वल टू 1 क्यों डाला, भैया जब नाम नहीं बताओगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आइडियल है, मतलब कि वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं कर रहा है। तो देखो 5, अच्छा 5% है, अच्छे से पकड़ना 5% सोल्यूशन, इसका मतलब 5 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन, 5 ग्राम सोल्यूट है और 100 ग्राम सोल्यूशन है, मॉलिक्यूलर वेट और सोल्यूशन कितना है 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, अब पूछ क्या रहा था द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस 10, तो ये आ गया 1/6 और ये आ गया, है ना, एक बार देखना मैं सही कर रहा हूं, तो ये किधर आएगा, एक मिनट मेरे से गलती हो गई ना, एक मिनट देखना जरा बच्चों, तो ये आ गया 1/6, ये क्या आएगा 1 × 2 = 4, तो 5/100 m इक्वल टू आया 5% देखो ये 5% W/V होगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम 100 ml है और वॉल्यूम रखना होता है लीटर में, तो ये लीटर में नहीं रखा है, तो जब लीटर में रखोगे तो ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि ऊपर चला गया, तो ये 300 आ रहा होगा। कोई है आंसर 300? देखो आइसोटोनिक है तो π1 = π2 लगाया, I1C1 = I2C2, 1 क्यों नाम नहीं दिया है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर 1 लीटर दिया है, मोल m/V मोल बन गया। अब लीटर बनाने के लिए ये 100 ml है, इसको लीटर बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा, बताओ। ए 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक, अरे यार ये आप खुद करिएगा, बिल्कुल डिप्टो सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए डाल देता हूं, है ना, एकदम सेम क्वेश्चन करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ धमाकेदार अच्छा क्वेश्चन करें, ठीक है ना, ये वाला करते हैं। ये क्या लिखा पढ़ो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इतने ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एडेड टू इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, एसिटिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म ए डाइमर इन बेंजीन। अच्छा द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी, ये क्वेश्चन ठीक है। तो देखो यार डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम, अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू ये दी है, एसोसिएशन अपने को निकालना है, Kf की वैल्यू ये है, m क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट एसिटिक एसिड 60 होता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट
तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 20 इन किलोग्राम इन 2000, ग्राम में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई आएगा। अरे ये समझ गया ना कैसे लिखा, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन 2000। अब आई की वैल्यू निकाल, तो आई इक्वल टू हो गया ये इंटू ये इंटू ये डिवाइडेड बाई 0.2 5.12 1 2 1 2। अब डिवाइड करके बताओ आई इक्वल टू कितना, वे देखो 0.45 डिवाइडेड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 5.12 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 आई इक्वल टू आ रहा है 0.527। अब 0.527 आ रहा है तो I इक्वल टू हुआ जाके 1 plus 1 upon n minus 1 into alpha। I की वैल्यू ये आ रही है n2। ऐसा क्यों कहा, एस्टिक एसिड जो है वो डाइमर फॉर्म कर रहा है, जब डाइमर फॉर्म कर रहा है तो ये ऐसे हुआ ना, तो बताओ n कितना लिखा है, 2 लिखा है, एन कितना लिखा है, 2 है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये हमारा ये आ गया इस तरह से, ऐसे, तो इसमें माइनस कर दो 1 तो ये आ गया 1। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.945%, में 94.5। देखो कहीं दिया है 94.5, ये देखो बात समझ गए कैसे किया भाई, आई निकल आया, आई निकलने के बाद एसोसिएशन का केस है, एसोसिएशन वाला फार्मूला लगा दिया, इसको इधर लाए तो माइनस आ गया, बस सॉल्व कर लिया। बात समझ गए किस तरह से किया, सभी लोगों को क्लियर है। चल अब बच्चों देखो, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके लिए डाल देता हूं, आप कर लीजिएगा, कर लोगे, चलो एक और कर देता हूं। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गैस लिक्विड सोल्यूशन, मतलब हेनरीज लॉ। चलो आ जाओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 molar aqueous solution of glucose is 2 k. The dispersion in freezing point for 2 molar aqueous solution of glucose in same solvent is 2 k. The relation between kb and kf. 2 minute में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, वो ये कह रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 2 k, I 1 क्यों ग्लूकोज बोल रहा है, kb और कंसंट्रेशन पहले वाले कितना है 1 molar। अब वो लिखो डेल्टा टी बी के एफ आई 1 के एफ और कंसंट्रेशन कितना है 2। अब कह रहा रिलेशन बताओ, तो यार इनको डिवाइड कर दो, ये लो है कि नहीं। अब देखो कहीं ऐसा लिखा है, बस हो गया। तो अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। ये देखो ये क्या लिखा है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अब गैस लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसको बताते हैं। पानी पी लूं, बोर्ड जो है ना हैंग हो गया है।
बेचारा हैंग हो गया है। अब देखो लास्ट हेडिंग है, मेरे हिसाब से शायद 15-20 मिनट का और काम है, इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का हुआ खत्म। अगला चैप्टर आप लोगों के कहने से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लाऊंगा, मस्त एकदम, ठीक है ना? कौन लाओगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो करते हैं। देखो इतनी स्लाइडें है ना, तो इसको सेव करने में भी टाइम लगता है। देखिए मैंने क्या लिया, ये एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर की खास बात है, ओपन कंटेनर है ऐसे, ठीक। इसमें मैंने एक लिक्विड भर लिया इस तरह से, ऐसे। अब इसमें मैंने एक गैस डाली, इसमें से कुछ परसेंटेज आप गैस डिसॉल्व भी हो जाएगी इस तरह से, और उनमें एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी ऐसे। ये गैस है और ये हमारा लिक्विड है, तो गैस और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम आएगी। अब ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? डिसॉल्व गैस और अनडिसॉल्व गैस के बीच। इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के। जो गैस डिसॉल्व हो गई है और जो गैस नहीं डिसॉल्व हुई है उसके बीच, और ये इक्विलिब्रियम कैसी है? एक्सोथर्मिक। क्यों? इंट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है भाई। गैस जब पानी में जा रही है तो लिक्विड के साथ इंट्रैक्शन बनाए तभी तो डिसॉल्व हो पाएगी, और इंट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो एक्सोथर्मिक हुआ, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। क्लियर? हमने पानी में गैस डाली, अब गैस कुछ डिसॉल्व हो गई कुछ नहीं डिसॉल्व हुई, तो डिसॉल्व गैस और अनडिसॉल्व गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है। अब ये जो फिजिकल प्रोसेस है ये है कैसा? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जब गैस डिसॉल्व हो रही है तो वो पानी में इंट्रैक्शन बना रही है, और किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्म करोगे तो एनर्जी निकलेगी। अच्छा इतनी बात। अब यहां पर आता है गैस की सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी को क्या बोला जाए। तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसको क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ गैस सॉल्युबल इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितनी गैस 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व, उसको हम लोगों ने नाम दिया है सॉल्युबिलिटी। अब गौर से इस बात को जरा देखो कि ये प्रोसेस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, एक एक करके हमें इन बातों का ध्यान रखना है। देखो देखो बच्चों, सीएसडी आप क्या कर रहे हो? गैस को डिसॉल्व करा रहे हो, तो अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के बीच में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस, और ये इक्विलिब्रियम बच्चों कैसी है? एक्सोथर्मिक। क्लियर? क्लियर। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड। यदि गैस और लिक्विड के बीच में इंट्रैक्शन ज्यादा है तो गैस जल्दी डिसॉल्व होगी, है कि नहीं? गैस जल्दी डिसॉल्व होगी। जैसे हमारा सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो गैस जितनी पोलर होगी उतनी तेजी से डिसॉल्व होगी। यदि हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर, तो वाटर एक पोलर है, तो गैस जितनी ज्यादा पोलर होगी उतनी तेजी से डिसॉल्व होगी।
गैस जितनी ज्यादा पोलर होगी उतनी तेजी से डिजॉल्व, यदि सॉल्वेंट वाटर है तो। इसका मतलब नॉन पोलर गैस कम डिजॉल्व होगी, पोलर गैस ज्यादा डिजॉल्व यदि सॉल्वेंट वाटर है। पहला, अब देखो यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्वेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कम रखना होता है, और यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम बैक डायरेक्शन में आ जाएगा, और बैक डायरेक्शन में क्या है? अनडिजॉल्व गैस। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्वेबिलिटी कम हो जाएगी गैस की। क्यों? क्योंकि गैस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी, गैस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर है। तो एक बार टेम्परेचर की आ गई कि टेम्परेचर के बेसिस पे आप क्या एनालाइज कर सकते हो, वो ये एनालाइज कर सकते इस तरह से। अच्छा, टेम्परेचर की बात कर ली, इंट्रैक्शन की भी बात कर ली कि गैस का इंट्रैक्शन क्या है। अब सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा गैस उतना ज्यादा इंट्रैक्शन बना पाएगी, तो सॉल्वेबिलिटी जो है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? क्लियर। अब बात आती है प्रेशर कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यार, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्वेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्वेबिलिटी। किसी ने कहा कैसे, जरा ये बताना, ली चटेरियल प्रिंसिपल में क्या बताया गया है? यदि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे प्रेशर कम हो जाए, है कि नहीं? तो आपने इस इक्विलिब्रियम का प्रेशर बढ़ा दिया, तो यहां पर गैस है और यहां पर इक्वस सॉल्यूशन है गैस, तो तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वो प्रेशर को कम करना चाहेगी, क्योंकि ली चटेरियल प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो चीज आप करोगे उसका वो विरोध करेगी, मतलब अंडू करेगी, जो चेंजेस आपने किए हैं उसको वो अंडू करेगी, मतलब वो चेंजेस खत्म करेगी। तो तुमने प्रेशर बढ़ाया तो उसका काम होगा प्रेशर को कम करना, और प्रेशर को कम करने का एक ही रास्ता है, गैस कम हो जाए तो प्रेशर कम हो जाए, भाई गैस के मोल कम हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो गैस क्या होगी, डिजॉल्व हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और गैस आगे आएगी तो गैस डिजॉल्व हो गई, और गैस डिजॉल्व हो गई तो सॉल्वेबिलिटी बढ़ गई। तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी। किसी ने पूछा कितनी सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाएगी, गैस की कितनी सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसी को बताया है हेनरीज लॉ ने। हेनरी लॉ जो होता है हमारा, वो इसी बात को बताता है कि गैस की कितनी सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाएगी जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की कितनी सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाएगी, यही डिस्कस करता है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ का कहना है कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, आप प्रेशर बढ़ाते जाओ गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक के आ गया। अब इस चीज को हम लोग फिर ऐसे कर देते, ये देखो, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का डिजॉल्व होगा, और इसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। और ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, जितना आपने गैस पे प्रेशर लगाया। तो देखो, जिस गैस का आप प्रेशर रखोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट रखोगे और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन रखोगे। वेयर गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या है वाटर, ऐसे। एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। हर गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन
टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कौन? हेनरी कॉन्स्टेंट। दुनिया के जितने कॉन्स्टेंट हैं सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब गौर से देख, यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो क्या किसी बच्चे को बुरा लगेगा? इसका मतलब जिसका हेनरी कॉन्स्टेंट ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है हेनरी कॉन्स्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस गैस का हेनरी कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होगी। देख लो भाई, इस चीज को नीचे ले आए तो सॉल्युबिलिटी और हेनरी कॉन्स्टेंट में क्या आ रहा है? अपोजिट का रिलेशन आ रहा है। देख लीजिए, अपोजिट का रिलेशन है। आप अच्छे से देखो, आ रहा है कि नहीं? तो देखो जरा, हेनरीज लॉ के आपके पास कितने कॉन्सेप्ट आए। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको लिखने जा रहा हूं हेनरीज लॉ के कॉन्सेप्ट, और फिर क्वेश्चन करना है पीएचडी किसके? हेनरीज लॉ। क्या है हेनरीज लॉ? जिस गैस का प्रेशर उसी गैस का हेनरी कॉन्स्टेंट और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, वो क्या? जो सॉल्युबिलिटी है वो हेनरी कॉन्स्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हेनरी कॉन्स्टेंट यदि ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो, सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो। अगला गौर से देखिए, अब आपको ये बात तो पता है ये। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा। यहां पे आपने लिखा प्रेशर और यहां पे लिखा मोल फ्रैक्शन। तो जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो तो ये प्रेशर बढ़ाते जाओगे मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफ यार ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। और इसका स्लोप कौन है? इसका स्लोप है हेनरी कॉन्स्टेंट। जी देखो, ग्राफ हमारा ऐसा जा रहा है, उसका स्लोप कौन है? हेनरी कॉन्स्टेंट। आप चेक कर लो, है कि नहीं? अच्छा, अब गौर से देखिएगा। अब पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर क्या? इस चीज को मैं यदि ऐसे लिखूं तो किसी बच्चे को बुरा लगेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, भाई गैस का मोल फ्रैक्शन और दूसरा कौन है? लिक्विड सॉल्वेंट। तो दोनों का सम एक होगा, तो गैस के मोल फ्रैक्शन की जगह क्या लिख सकते हो? वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और लिख सकते हो तो ये ऐसी चीज हो गई। और ये क्या है? ये निगेटिव इक्वेशन है। देखो ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे है, ये एम हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये सी हो गया। इसका मतलब स्लोप क्या है? माइनस एक्स। तो ध्यान रखना, ग्राफ पूछा किसके बीच में गया है। यदि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में ग्राफ पूछा गया तो ये निगेटिव स्लोप के साथ आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और स्लोप की वैल्यू जो है वो हेनरी कॉन्स्टेंट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा हेनरी कॉन्स्टेंट, ये देखो। और यहां पर स्लोप पॉजिटिव है और वहां पर स्लोप निगेटिव है। तो एक बार क्वेश्चन में यह बात जरूर ध्यान रखना कि ग्राफ किसके बीच में बनाए, ग्राफ किसके बीच में बनाए। और फार्मूला हमें यह वाला यूज करना है, मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस और मोल ऑफ वाटर। ये बात ध्यान रखोगे कैसे करना है, बात पकड़ पा रहे? ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्वेश्चन करते समय।
क्योंकि इन सब बातों पे क्वेश्चन आएगा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, आया आईआईटी में, मगर आपके पेपर में भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यार सर आपने आईआईटी का क्वेश्चन, मगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। बस हो सकता है वहां चार ना लेके दो गैस ले ले, है ना। अब देखो, फॉर द सोल्यूशन ऑफ द गैस डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन ए वाटर 298 केल्विन द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट के एच आर दिस 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 द करेक्ट प्लॉट ऑफ द गिवन डाटा इज। अब देखो मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, वाटर का दिया है, इसका मतलब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है और ये पार्शियल प्रेशर है, तो सॉल्वेंट का ग्राफ निगेटिव स्लोप का होता है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट वाली इक्वेशन ये है, ये है इक्वेशन। अब ये स्लोप है, इसका मतलब जिसका हेनरी कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा हेनरी कॉन्स्टेंट किसका है? 40। ये कौन है? एक्स वाई जेड, जेड। तो जेड का स्लोप सबसे तेजी से आना चाहिए, ये तो गलती था इन दोनों में चेक। यहां पे जेड का स्लोप देखो, जेड से ज्यादा स्लोप है एक्स का, ये तो गलत है। तो बस ये आंसर, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जेड का स्लोप एक्स के स्लोप से ज्यादा होना चाहिए था। क्लियर? क्लियर कि नहीं? बस आंसर हो गए। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये देखो क्वेश्चन एक और, इस क्वेश्चन को करो। द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर द सॉल्विबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 × 10^5। ये अब देखो यार, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है नाइट्रोजन के लिए, ऐसे द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इतना इन एयर। देखो मोल फ्रैक्शन एयर में दिया है, वाटर में नहीं दिया है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। अच्छा तो प्रेशर कितना गया है गैस का? 5 एटमॉस्फेरिक। अब वो पूछ रहा है कितने मोल नाइट्रोजन डिजॉल्व होगी, ये पूछ रहा है कितने मोल नाइट्रोजन डिजॉल्व होगी पानी में। तो भाई जिस गैस का प्रेशर, उसी गैस का हेनरी कॉन्स्टेंट, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन। अब हेनरी कॉन्स्टेंट दिया है, मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं, है ना, मोल ऑफ वाटर 10 और मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये देखो मोल ऑफ वाटर दिया। अब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा? ये तो एयर का प्रेशर है। देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का प्रेशर है, तो वाटर में नाइट्रोजन डिजॉल्व हो रही है तो नाइट्रोजन का प्रेशर रखना पड़ेगा ना, तो ये तो एयर का प्रेशर है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्रेशर ऑफ एयर। एयर का प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर। तो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं एयर में? 0.8 दिए हैं, और इसका प्रेशर कितना है? ये तो प्रेशर कितना आया? 4। 5 में से नाइट्रोजन का प्रेशर 4 है, और वहां जिस गैस का प्रेशर उसी गैस का एच, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन पानी में, तो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन पानी में ये आए, वो एयर में है, और नाइट्रोजन का प्रेशर ये आया। अब इसको सॉल्व करो,
नाइट्रोजन के मोल मैंने लगभग निग्लिजिबल कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि जरा देखो इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये आ रही थी भाई, ये ऐसे ही तो लिखा है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी छोटी है, इसका मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन, जी आंसर आ गया 4 × 10⁻⁴। ये देखो 4 × 10⁻⁴ अप्रोक्स आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में ध्यान रखो, जिस गैस का प्रेशर उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, मगर किसमें? वाटर में, क्योंकि आप डिसॉल्व कर रहे हो गैस को। तो गैस का मोल फ्रैक्शन वाटर में ये आया, हेनरी कांस्टेंट ये। अब गैस का प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, एयर में नाइट्रोजन गैस ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया, ये बस रख दिया आंसर। देखो बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर लिया है, इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर लिया है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, और मैं जब क्वेश्चन लेके आऊंगा तो मेरे साथ क्वेश्चन करना। जो सुबह मॉर्निंग में ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है ना, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में इसी के तो क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन करना बहुत ताकत के साथ, ठीक है। और बहुत जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज ला रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज ला रहे हैं, बहुत गुड न्यूज है। केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छे खतरनाक लीजेंड फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे, बहुत डेडिकेटेड, बच्चों के बीच में बहुत प्यारे नाम कमाया हुआ, वो खूब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके पास सरप्राइज आएगा, ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहे, ठीक है, और परिवर्तन को आगे बढ़ाते रहे, अपने नंबर के परिवर्तन, अपने विचारों का परिवर्तन। तो चलो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक के लिए इतना ही कहेंगे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।